हेलो। ऑल राइट, होप आई एम ऑडिबल। हम गोले में आते थे, लोगों ने मुझे डांट डांट के, डांट डांट के, डांट डांट के, हाँ जी, उधर फेंक दिया मुझे। बताओ तो हैं जयप्रकाश साहब, आपने सुबह आते ही हाथ उठा दिया है। चलो तुमसे बात कर लेते हैं, आज मूड अच्छा है मेरा, चलो तुमसे बात कर लेते हैं। आज बात करोगे कि हाथ उठा ही रखा है बस? है ही क्यों, काव्या भी बात करना चाहते हो? चलो आज तुमसे 5 मिनट बात करते हैं, देखते हैं बात होती है। मैं चेक करना चाहता हूँ, एक दिन उस पर किया था तो हो गई थी बातचीत, क्या बोलते हैं स्पेशल क्लास में। कनेक्ट हो जा भैया, कनेक्टेड, यस, ओके। किसकी कॉल उठाएं? अरे बहुत लोग आ गए, बट जयप्रकाश की कॉल पहले उठाएंगे, 5 मिनट बात करेंगे। हाँ जी, अरे बहुत लोग कॉल उठाते हो। हेलो, हाँ जयप्रकाश जी नमस्कार, नमस्कार सर। कहाँ से हैं आप? बिहार औरंगाबाद। बस आ रहा हूँ मैं, पटना आ रहा हूँ, मिलोगे? यस सर, आइए, 15 तारीख को आ रहा हूँ मैं, आपका वेलकम है सर। 15 अक्टूबर को आ रहा हूँ मैं। और बताइए क्या डाउट है आपका? जी 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 सर, डाउट है कि जो बैच को इनरोल कर रहा है ना, उसका मैसेज वगैरह नहीं आ रहा है, और कोई मैं बैच में ज्वाइन नहीं किया हूँ। आपने बैच ज्वाइन ही नहीं किया तो मैसेज कैसे आएगा सर, तो मैं कौन सा बैच ज्वाइन करूँ ये मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। ढेर सारा बैच है, अर्जुना बैच है, जीडी कांस्टेबल बैच है। कोई भी अर्जुना कर लो, अर्जुना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। मैं जानते हैं क्या हो रहा है, जैसे कि अर्जुना बैच ज्वाइन कर रहा हूँ ना, तो उसमें रीजनिंग पढ़ना चाहता हूँ रितिका तोमर मैम से, तो उनका नहीं आ रहा है, कोई और आ रहे हैं रीजनिंग के एजुकेटर। एक मिनट, हाँ जी अब बताइए क्या कह रहे हैं आप। सर बोल ना कि अर्जुना बैच ज्वाइन किया, तो उसके बाद मैं रीजनिंग रितिका तोमर मैम से मैं पढ़ना चाहता हूँ। हेलो, 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 अभी अभी आ रही है आवाज? नहीं आ रही है तो किससे बात करें? एक एक आखिरी कॉल करेंगे, ओके। सूरज, नितिन, अमन, अमन का मास्क लगाए वो फोटो तो नहीं बात करेंगे, ठीक है ना जी। अब तो मास्क हटा दिए थे यार। हेलो काव्या जी नमस्कार, गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? जी बताइए काव्या जी, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? सर हाँ आ रही है सर। मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ऐसा आपके साथ करते हैं ना तो आपसे पहले बच जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन जब खुद से करने बैठते हैं ना तो अच्छे सवाल भी नहीं हो पाते। कोई नहीं, नॉर्मल प्रोसेस है। आपने आई थिंक अर्जुना से पढ़ना शुरू किया मेरे साथ, आप अर्जुना भी कर रहे हो और आप लक्ष्मी भी आते हो क्लास में, तो अभी शुरुआत है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा वक्त दीजिए। पढ़ लिया है सब, पढ़ लिया लेकिन टुकड़ों में पढ़ा है, जैसे मुझे एक परमानेंट टीचर नहीं मिले थे ना, तो मैंने पढ़ सारा लिया है। कोई नहीं, मैं परमानेंट परेशान हूं तो ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहो,
सब सही हो जाएगा अंतर, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहो, क्लास में आप आते हो रेगुलर, अच्छी बात है, सब सही हो जाएगा। एक प्रैक्टिस कैसे करें, मतलब आपके साथ करें कि खुद से करें? खुद से नहीं, प्रैक्टिस के लिए जो प्रैक्टिस शीट मिलती है उससे आप प्रैक्टिस करोगे, क्लास के सवाल को रिवाइज करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, काम होगा आपका। सर ऐसा भी होता है कि जो आपने कराए है ना क्वेश्चन, वो भी दोबारा जब हम करते हैं तो वो नहीं बनते, शॉर्ट ट्रिक से लेंथी प्रोसेस में जाते हैं। कोई नहीं, ये नॉर्मल प्रोसेस है। देखिए क्या होता है ना कि कुछ लकीरें बड़ी मोटी हो जाती है, तो जो आपका ट्रेडिशनल प्रोसेस है, लेट्स से नॉर्मल प्रोसेस है, वो लंबे टाइम तक आपने किया यूज, राइट? तो वो इतनी जल्दी भागता नहीं है, इट टेक्स कंटीन्यूअस प्रैक्टिस, तो वो हो जाएगा, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ओके सर, वो तीनों सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं, बस मैथ्स मेरे कभी 10 नंबर आ रहे हैं कभी 11 आ रहे हैं। कोई नहीं, मैथ्स भी ठीक हो जाएगी आपकी, परेशान ना हो, कीप वर्किंग, प्रोसेस में काम करते रहोगे तो इंप्रूवमेंट होगा ही। आपसे बस ये पूछ लूं, प्रोसेस बता लीजिए कैसे करना है, कि क्लास के सवाल करिए, रिवाइज करिए, और प्रैक्टिस शीट करिए, पीवाईक्यू करिए, और बार बार यही काम करते रहिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है? दैट्स द ओनली प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो, कोई नया उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जो टॉपिक्स हो गए उनके क्वेश्चन आप मिक्स लगा लो, ठीक है? जैसे अर्जुना में अभी आई थिंक जिन्होंने जुलाई में ज्वाइन किया होगा, उनका भी अरिथमेटिक पूरा हो जाएगा इस महीने, है ना? तो आप अरिथमेटिक के सवालों को मिक्स भी लगा सकते हो, ठीक है? चलिए कोई नहीं, भोपाल भी आएंगे सेमिनार में, तब मिलेंगे आपसे, ठीक है? ओके थैंक यू। ओके तो ऑडियो वाला ये फीचर सही काम कर रहा है, हमारे टीचर्स ने मुझे बताया कि वो लोग क्लास में बात कर लेते हैं, मैं तो कभी कॉल ऑल करता नहीं हूँ, तो हमने कहा हम भी ट्राई करते हैं। हाँ जी, अब चलो पढ़ते हैं, ठीक है? बातचीत होती रहेगी। अभी क्लास में मैं पूछे क्या चल रहा था, स्कूल में बातचीत, ठीक है? इसमें बातचीत क्या हुआ इसमें? अच्छा, इसको कनेक्ट कर दीजिए, कराइए फिर से, अब सही हो गया होगा, आती हो गया ना अब, ठीक है? नहीं, वो साउंड लिया था ना, कान में वाला नेक लगाया ना वो, राइट? उसकी वजह से ना थोड़ा वो हो गया था, अब ठीक है कि नहीं? रिफ्रेश कर दो, ठीक हो जाएंगे, परेशान हो, एक मिनट पूरी रिफ्रेश कर दो। अब ठीक है? अरे वो लगाए थे ना कान में, हेडफोन, तो वो उसका ऑडियो पकड़ रहा था अभी तक। चलें अब शुरू करें, चश्मा लगा लें यार, फाइनली मेरा चश्मा मेरे को मिल गया, एक नया बनवा लिया हमने। हाँ जी, आप शुरू कर लेते हैं क्लास। ब्लूटूथ स्पीकर नहीं, ये होता नहीं एप्पल वाला, ये इसको एयरपॉड्स बोलते हैं। ओके, इसको एप्पल सिर्फ इसको बेच के इतना पैसा कमाता है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के टर्नओवर हैं उससे भी ज्यादा खाली ये कान का एयरपोर्ट बीच कमा लेता है। एप्पल एप्पल यार जी। चलो आप चलते हैं, पढ़ते हैं। प्रेरणा जी करी मुझे बात करना है, क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। नहीं, अच्छा मीडियम है, कभी कभी बीच बीच में हफ्ते में एक दिन बातचीत कर सकते हैं हम लोग, इट्स गुड फीचर। ओके, आप जैसे अमीर लोग अफोर्ड कर पाते हैं, आशीष कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो मैंने एक तरीका निकाला है एप्पल प्रोडक्ट को यूज करने का, वो मैं आपको भी सिखा दूंगा जब आपकी सैलरी आना शुरू हो जाएगी तब, अभी नहीं, ठीक है? सैलरी जब तुम्हारी आने लगेगी तो मुझे बात करना, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम भी एप्पल यूज कर सकते हो, ठीक है? चिंता मत करो, बट अभी पहले सैलरी तो आने दो, अभी क्या फायदा, अभी एप्पल खाओ, उसी पर ध्यान लगाओ। क्वेश्चन नंबर 41, ओके 41 पे आओ। प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ मुझे बता दीजिए, कोई जरूरत नहीं आपको एप्पल की, अभी पढ़ लो, जब सरकारी नौकरी लग जाएगी तब मुझसे बात करना आप, ठीक है? अभी नहीं, अभी पैसे बचाओ। एक्स वाई जेड काम कर रहे हैं एक साथ और वो एक जॉब को 10 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि जेड केवल पहले 3 दिन काम करेगा, जब 37% जॉब हो जाएगा, ठीक है? ये दिया हुआ डेटा। ऑल्सो द वर्क डन बाई एक्स इन 15 दिन इज इक्वल टू वर्क डन बाई वाई इन 12 दिन, हाउ मेनी डेज would be required by the slowest worker to complete the entire work, okay?
इंटायर वर्क को पूरा करने के लिए, हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड बाई द स्लोवेस्ट वर्कर टू कम्प्लीट द इंटायर वर्क। हाँ जी, तो देखो ध्यान से, जरा बहुत ध्यान से गौर से इसको देखना है आपको। 10 दिन में करा कि एक्स वाई जेड वर्किंग टुगेदर कम्प्लीटेड ए जॉब इन 10 डेज। लेकिन एक चीज का बहुत ध्यान से आपको ख्याल रखना है कि ये सवाल थोड़ा सा भाषा के तौर पे ये बहुत अच्छे से सवाल बना नहीं हुआ है, राइट। इस सवाल को मैं समझाऊंगा कि मसला क्या है। पहले तो हमें समझना कि भाई एक्स और वाई की जरा एफिशिएंसी को समझ लेते हैं। तो एक्स 15 दिन में जो काम करता है, 15x, वाई वही 12 दिन में कर लेता है, यानी 12y। एक्स और वाई की जो एफिशिएंसी का अनुपात अगर आप यहां से निकालोगे तो 3 × 12, 3 × 15, 4/5 आपका बन जाता है। तो ये इनकी एफिशिएंसीज का रेशियो यानी अनुपात हो गया। अब हमें क्या समझना है कि जो हमारा जेड है, जेड की बात की जा रही है, जेड केवल पहले 3 दिन काम करेगा, ओनली 3 डेज जेड काम करेगा, और जब 37% काम हो चुका है तो वो चला जाएगा। तो जरा एक सीन क्रिएट करते हैं सवाल में। अगर आपने सवाल को ट्राई किया नहीं किया मुझे नहीं पता है, आई डू नॉट नो कि आपने सवाल को किया नहीं किया, क्या किया। देखो सबसे अच्छा सवाल में बात क्या है कि हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड बाई द स्लोवेस्ट वर्कर टू कंप्लीट द इंटायर वर्क। तो इस सवाल में ये नहीं बोला है कि आप x का नंबर ऑफ डेज निकाल दो या y का नंबर ऑफ डेज निकाल दो या z का नंबर ऑफ डेज निकाल दो, ये बोला ही नहीं है। स्लोवेस्ट वर्कर कितना दिन लेगा ये आपको बताना है। सभी लोगों का फोकस क्लास में सवाल पे होना चाहिए, वरना सवाल निकल जाएगा हाथ से, समझ कुछ पाओगे नहीं। तो इस सवाल में दो काम है। पहला काम हमें पता करना है कि भैया स्लोवेस्ट वर्कर है कौन, हु इज द स्लोवेस्ट वर्कर। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज टू बी फिगर्ड आउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो सबसे पहला चीज आपको समझना क्या है कि भाई 37% जो काम है ये हो गया कितने दिन हुए, 3 दिन। ये काम 10 दिन में पूरा हुआ है, तो बाकी जो 7 दिन है उस 7 दिन में ये क्लियर है कि 63% काम हुआ है, और यहां पर जेड मौजूद नहीं है। कौन कौन मौजूद है? एक्स और वाई। एक्स और वाई का एफिशिएंसी रेशियो अगर 4:9 का है, 4:5 का है, तो टोटल 9 यूनिट काम हुआ 7 दिनों में, जो कि 63% है। एक दिन में अगर मैं कैलकुलेट करूं 1 यूनिट 7% के बराबर होगा, तो ये 4 यूनिट कितना होगा, 7×28%। और बेटर व्हाट वी कैन डू इज दिस कि ये जो 63% है इसको अगर मैं 7 से डिवाइड कर लूं तो एक दिन में 9% काम हुआ। 9% में 4% किसने किया होगा? एक्स ने, क्योंकि 4:5 है, और 5% किसने किया होगा? वाई ने किया होगा, ये बात मैं लिख सकता हूँ। फिर ये जो 3 दिन है जहां पर एक्स वाई जेड तीनों काम कर रहे थे, आप बताओ एक्स प्लस वाई 3 दिन में कितना काम करेंगे? 5×4=9, 27। तो इसमें से 27% काम करेंगे एक्स और वाई मिला के 3 दिन में, बाकी 10% किसने काम किया होगा? जेड ने किया होगा 3 दिन में। तो मैं जेड का अगर एक दिन का काम निकालू प्रतिशत के टर्म्स में तो वो 10/3% होगा। 10/3% जेड हो गया, 4% एक्स हो गया, वाई मेरा 5% हो गया। ये बताओ कि स्लोवेस्ट कौन है जो एक दिन में सबसे कम काम कर रहा है? जेड। जेड स्लोवेस्ट हुआ, 3.33% काम कर रहा है जेड। जेड अगर स्लोवेस्ट हो गया तो मुझे यही निकालना है कि ये स्लोवेस्ट वर्कर को अगर पूरा काम करना होता तो कितना टाइम लगेगा। आप कहोगे सिंपल सी बात यह है कि 100% हमारा टोटल काम है और 10/3% एक दिन में जेड करता है, तो टाइम टेकन बाय जेड टू कंप्लीट दिस होल वर्क विल बी 30 डेज। दूसरा तरीका यह था कि हम सीधे 10/3% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिखते और ये वैल्यू हमारी 1/30 आती, तो हम सीधे बोल देते कि 30 डेज में काम कंप्लीट होगा। किसी ने बोला कि 27 कहां से आया? भैया ये 4% एक्स के एक दिन का काम है, 5% वाई के एक दिन का काम है, दोनों को अगर मिला लेंगे तो 9% बनेगा एक दिन का। तो इन 3 दिनों में एक्स और वाई ने कितना काम किया होगा? 9×27% 37 में से, तो बाकी 10% 3 दिन में किसने किया है? जेड ने किया है। जेड ने एक दिन में इतना काम किया, 9 एक्स और वाई के द्वारा एक दिन में किया गया काम है। जी हाँ, यस। और इसीलिए हम पहले 3 दिनों में जब गए हैं तो 9×27 घटाया है, एक्स और वाई के 3 दिनों का काम हमने घटा दिया। समझ में आएगा? नहीं? वेरी नाइस क्वेश्चन। मतलब अपनी नोटबुक्स में सवाल डाल के इसको रिविजन के लिए डाल देना, मल्टीपल रिविजन रिक्वायर्ड है इस सवाल में। भाषा देखो थोड़ी बेहतर इसलिए हो सकती है, जैसे लिखा ना एक्स वाई जेड टूगेदर कंप्लीटेड ए जॉब इन 10 डेज, आगे इनको लिखना चाहिए इन फॉलोइंग मैनर, वरना ये कंफ्यूजन आपको यहां ये हो सकता है कि एक्स वाई जेड तीनों ने एक साथ मिलके काम किया है। ओके, समझ में आया कि नहीं? यस yes? अब देखिएगा ध्यान से, मैं आता हूं यहां पर, ये हाउ एवर जेड यहां हटा दो, हाउ एवर हटा दो, दिस इज वाई द लैंग्वेज विल बी बेटर, दिस इज हाउ द लैंग्वेज विल बी बेटर। हेलो, कौन बोल रहा है? मैम अभी मैं क्लास में हूँ, कैन यू कॉल मी आफ्टर 8 PM टुडे? यस, थैंक यू।
हाँ जी देखिए ब्रजेश जी बोल रहे हैं कि जेड निकालने के लिए एक्स और वाई की रेशियो की जरूरत तो नहीं होगी। देखिए जेड निकालने से सिर्फ काम बनेगा नहीं ब्रजेश जी, हमें पता करना है कि स्लोवेस्ट कौन है। जेड निकल जाएगा एक्स और वाई को अलग अलग ना निकाले बगैर भी, क्योंकि एक्स प्लस वाई अगर 9% है तो हम जेड निकाल सकते हैं। बात सही है, पता कैसे चलेगा स्लोवेस्ट कौन है, हमें एक्स और वाई निकालना पड़ेगा, इसलिए पहले निकाल के लिख दिया। जब मुझे स्लोवेस्ट पता करना है तो इंडिविजुअल एफिशिएंसीज पता होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप इस सवाल को। हाँ जी समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? यस ओके। एक्स और वाई का कंप्लीट डे इंडिविजुअल, इस सवाल को दोबारा घर पे देखना तब थोड़ा ठीक से समझ में आएगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 42, रमेश की एफिशिएंसी 25% ज्यादा है सुरेश से, हु कंप्लीट्स ए टास्क इन 120 डेज। ललित टेक्स 13 1/3 डेज लेस देन द डेज टेकन बाय रमेश एंड सुरेश टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। इफ रमेश एंड सुरेश वर्क फॉर 32 डेज आफ्टर दैट बोथ लेफ्ट द टास्क देन इन हाउ मेनी डेज ललित विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। इट्स ए गुड क्वेश्चन, जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पर आपको अगर रमेश है, यहां पर आपका सुरेश है, एफिशिएंसी 25% ज्यादा होने का मतलब है सुरेश अगर 4 है तो रमेश 5 होगा, क्योंकि आप सभी को चीज अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि 25% का मतलब +1/4 होता है, तो शुरू की वैल्यू 4 है तो ये एफिशिएंसी 5 हो गई। सुरेश 120 दिनों में इस काम को पूरा करता है, ये भी दिया हुआ है, तो मैं चाहूं तो टोटल वर्क लिख सकता हूं, 480 यूनिट्स बनेगा, देखते हैं रिक्वायर्ड है या नहीं है। ललित को 13 1/3 दिन कम लगते हैं रमेश और सुरेश को जितने दिन लगते हैं कंबाइंड उससे, तो देखो ये जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि 120 दिन अगर सुरेश को लगते हैं तो मैं कह सकता हूं कि टोटल वर्क मेरा 480 यूनिट्स का है, और अगर रमेश और सुरेश मिला के काम करें तो टाइम टेकन बाय रमेश प्लस सुरेश कितना होगा, आपको 480 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 480 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 9, ये नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड होंगे। अगर रमेश सुरेश एक साथ काम करेंगे तो 9 की एफिशिएंसी से 480 यूनिट का काम करेंगे। अब कह रहा है कि जो ललित के द्वारा लिया गया समय है वो इस वैल्यू से 13 1/3 कम है, यानी 40/3 कम है। अगर कंबाइन करोगे तो यहाँ 9 बनेगा, 120 बनेगा, ये वैल्यू हो जाएगी 360/9 यानी 40। मतलब दैट इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस और राइट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। इवन यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते थे कि 160/3 है, 3 से काट सकते थे, तो 160/3 अगर लिखते इसको हम सीधे, 160/3 -40/3 बनता, यहाँ पर 120/3 हो जाता, और 120/3 को हम सीधे 40 लिख पाते, ठीक है। तो ललित के नंबर ऑफ डेज यहां से निकल पा रहे हैं कि 40 डेज हैं। अब आगे देखिएगा, अगर रमेश सुरेश 32 दिन काम करें और दोनों काम छोड़ के चले जाएं, तो बताना है ललित अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। दिस इज द ओवरऑल क्वेश्चन दैट इज गिवन। तो रमेश सुरेश अगर 32 दिन काम करते हैं, तो जरा आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो कि ललित 40 दिनों में इस काम को कंप्लीट कर सकता है, तो क्या ललित की एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो? आपको यस, 480/40 हुई, 12 हुई, 12 हुई। अब 32 दिन तक अगर मैं रमेश और सुरेश से काम करा लूं तो ये 5 4 9 की एफिशिएंसी से 32 दिन काम करेंगे, ये 288 यूनिट्स का काम कर देंगे। 480 यूनिट में कितने यूनिट का काम बाकी आप मुझे बता सकते हो? आपको 180 और 12 192 यूनिट का काम बाकी बचेगा, इसको मुझे 12 की एफिशिएंसी से कराना है। 12 1 12 12 6 72 16 डेज लग जाएंगे ललित को इस काम को पूरा करने में, तो यहां पर आप लिख सकते हो 16 डेज। ओके बढ़िया सवाल है, ठीक है, गुड क्वेश्चन, बट आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आसानी से प्रश्न कर पाएंगे, कोई तकलीफ यहां पर होगी नहीं, ए ऑप्शन करेक्ट है यहां पर, ठीक है, क्लियर है सभी को? 192 कहां से आया? देखिए 192 यहां से आया, अगर रमेश और सुरेश ने, सवाल को बहुत ध्यान से बैठ के सुना करिए, सब कुछ लिखता हूं बहुत क्लियर, 9 × 32 यूनिट का काम रमेश और सुरेश मिलके करेंगे, 32 दिन है, 9 उनकी टोटल एफिशिएंसी है, 288 यूनिट का काम हो गया, 480 यूनिट का कुल काम है, 480 में 288 घटाओगे तो 192 यूनिट का काम बाकी है, जो मुझे ललित से कराना है जिसकी एफिशिएंसी खुद की 12 है, तो आंसर आएगा 16 दिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43, एक्स और वाई एक साथ किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, 12 दिन वो साथ में काम करेंगे फिर वाई छोड़ के चला जाएगा, और एक तीसरा आदमी जेड है जिसकी एफिशिएंसी एक्स की एफिशिएंसी का 5/3 है, वो काम को ज्वाइन कर लेगा, जो पूरा काम है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं 24 दिनों में, 24 डेज में। इन हाउ मेनी डेज वाई कैन कंप्लीट द होल वर्क अलोन, स्टैंडर्ड स्टेप्स, और ये सवाल आसानी से हो जाएगा, देखते हैं क्या स्टेप्स हैं। आप मुझे बताओ कि 12 दिन का काम अगर हो चुका है तो एक्स और वाई का 36 दिनों का काम जो था टोटल, उसमें अगर 12 दिन हो गया है तो जो काम बाकी है वो कितना बाकी है?
आपको के काम हमारा x plus y into 24 दिन का काम बाकी है, ये वर्क डेज हो गया, नंबर ऑफ डेज, ये वर्क जो लोग काम कर रहे हैं, ये किसके बराबर है? y ने जॉब छोड़ दी है, और एक बंदा जो आया है, ध्यान से देखना, वो आया है बेसिकली x तो है ही है, y छोड़ के गया, तो z जो आया है उसकी एफिशिएंसी 5/3x है, तो ये काम करा है 24 दिनों में पूरा हो गया होल वर्क, यानी 12 और दिन में काम पूरा हो गया। अब ये जजमेंट दो तरीके से लगा सकते थे, एक ऐसी क्वेश्चन लिख लो, या आप ऐसे देखो कि बचा हुआ काम 24 दिनों में x और y मिला के करते, लेकिन बचा हुआ काम सिर्फ 12 दिनों में हो गया, क्योंकि कह रहा है होल वर्क 24 दिन में पूरा हो गया, यानी एफिशिएंसी डबल हो गई। यहां जो x plus y की एफिशिएंसी थी वो दुगनी हो गई है x plus 5/3x से, या आप काट के यहां देख लो, 12 दुना 24 हो गया ऐसे, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई 2x है हमारा और यहां पर आपका 2y है, ये या ऐसे रहने दो, ट्वाइस ऑफ x plus y ही लिखो, ट्वाइस ऑफ x plus y विल बी इक्वल टू 8/3x, दो से कटेगा 4 बनेगा, यहां से 3y इज इक्वल टू 4x बन गया, यहां से x रेशियो y हमारा 3:4 बन गया, तो ये हमें एफिशिएंसीज का रेशियो मिल गया। हमें पता करना है कि y अकेले इस काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है, पहले देखते हैं कि कुल काम कितना है, क्या टोटल वर्क अगर आप निकालोगे, 36 दिन का x plus y का काम टोटल वर्क है, 3 + 4 = 7, तो 36 × 7 हमारा टोटल वर्क है। अगर मुझे y से करवाना है तो y की एफिशिएंसी तो 4 यूनिट की है, तो 36 × 7/4, 4 × 9 = 36, 9 × 7 = 63 दिन। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, आई रूट समथिंग रॉन्ग, एक मिनट, x एंड y टुगेदर, एक मिनट, अच्छा यहां पर मैंने गड़बड़ किया ना, आई मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग दिस, सो दिस होल वैल्यू इज रॉन्ग, सब काट दो, फिर से लिखेंगे इसको, ये क्वेश्चन मैंने गलत लिख दी उठा के, यहाँ पर ये 3x है ना, तो आप यहाँ 3x लिखेंगे प्लस 3y लिखेंगे इज इक्वल टू 4x लिखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 3y आएगी, x रेशियो y 3:1 बनेगा, तो टोटल वर्क जो है 36 दिन का x और y का मिला के काम है, क्योंकि 4 है, 36 × 4 है, तो जो वैल्यू आएगी आपकी, अगर सिर्फ ये काम आपको y से करा लेना है, तो y की एफिशिएंसी 1 है, 144 आया आपका, 8/3 कैसे भैया, x प्लस 5/3 को जोड़ो कितना आएगा जरा बताओ, ये ऊपर इक्वेशन लिखी है हर्ष बाबू, इसको जोड़ो ना, 3 और 5 = 8, बच्चों की तरह नहीं बताऊंगा मैं, इतनी एक्सपेक्टेशन मैं रखूंगा तुमसे कि x प्लस 5/3x को अगर मैं 8/3x लिख रहा हूं तो तुम मुझे घूरो मत, ठीक है, कि ये कैसे लिख दिया, ऐसे भी करोगे क्या तुम? हाँ जी, क्या इक्वेशन समझ में नहीं भैया, ये मैंने कहा x प्लस वाई 24 दिन वर्क डेज पढ़ाया ना आपको मैंने, जैसे आप लिखते हो ना मेन प्लस वुमेन इंटू 24, वही किया मैंने भाई, x और y की एफिशिएंसी का टोटल इंटू 24 दिन इज इक्वल टू 12 इंटू x प्लस 5/3x, जब y z से रिप्लेस हो गया जिसकी एफिशिएंसी 5/3x है, तो ये नई एफिशिएंसी हो गई, काम 12 दिन में पूरा हो गया, पहले इसी काम को करने में 24 दिन लग रहे थे, एक तिहाई काम तो पहले ही हो गया ना, 12 दिन का काम तो पहले ही हो गया ना, तो इससे उत्तर आ गया। 44 सवाल देखिए, ए कंप्लीट करता है एक काम 25 दिनों में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, ए काम शुरू करता है एक दिन के लिए और अगले दिन बी ज्वाइन करता है उसको, जो कि दुगना एफिशिएंट है ए का, अगले दिन सी ज्वाइन करता है जो कि थ्राइस एज एफिशिएंट है ए का, और ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस, कंटिन्यू नहीं, प्रोसेस कंटिन्यूज होना चाहिए। इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ दे ऑल टुगेदर वर्क 4 hours a day, तो ऐसा सिमिलर सवाल हमने कल भी किया था, नॉट एग्जैक्टली दिस वे, बट आर्स का इस्तेमाल हमने कल किया था कि एक आर्स में डेटा आया था उसको नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट किया था हमने, ठीक है। सो हमें समझना क्या है कि ए को अगर अकेले मौका मिले तो वो कितना टाइम लगाता है, 25 दिन 8 घंटे यानी 200 घंटे में एक काम को खत्म करता है, यहां पर मैंने डेटा लिखा आर्स में 200। बी की एफिशिएंसी दुगनी है, नेचुरली अगर बी की एफिशिएंसी दुगनी है तो बी कितने दिनों में, आर्स की बात करें तो वो 100 घंटे में इस काम को खत्म कर रहा होगा, सी की एफिशिएंसी अगर 3 गुनी है तो वो 200/3 घंटे में इस काम को खत्म कर रहा होगा, तो एबीसी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो मुझे दी हुई है कि ए अगर 1 एफिशिएंसी का है तो बी 2 एफिशिएंसी का है और सी मेरा 3 एफिशिएंसी का है। अब टोटल जो वर्क है हमारा वो कितने का हो जाएगा, आप कहोगे ए की एफिशिएंसी 1 है और 200 घंटे, तो टोटल वर्क हमारा 200 निकल के आएगा। यहां ध्यान रखना है कि समय हमने आर्स में लिया है, तो ये बेसिकली जो है एफिशिएंसी इनटू टाइम है और ये टाइम आर्स में लिया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये काम हो कैसे रहा है, ओके? पहले दिन ए अकेला होगा,
अगले दिन ए के साथ बी होगा, टोटल एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, अगले दिन ए बी सी 3 होंगे तो 6 होगी। तो ये हो गया हमारा डे 1, डे 2, डे 3। तो इफेक्टिवली अगर हम देखें तो 3 दिनों में जो कुल काम होगा हमारा वो 6, 3, 9, 1, 10 यूनिट का हो जाएगा, और यही प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा। तो मतलब फिर से 1, फिर से 3 और फिर से 6, लाइक दैट। हमें काम कराना है 200 यूनिट्स का। 200 यूनिट का काम कब होगा? जब ये 20 गुना हो जाए, यानी यहां ये 20 यहां 60 गुना हो जाए, तो 60 डेज आ जाएगा आपका। यस और नो? क्या हमने ये बात सही लिखी? किंतु हमें एक चीज यहां समझने की आवश्यकता है सभी लोगों को, कि ये बात सही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि जो डेटा है वो आर्स से अभी हमने रिलेट ही नहीं किया, हमें डेटा को आर्स से रिलेट करना पड़ेगा। यहां पर काम 8 घंटे प्रतिदिन होता है, वहां काम 4 घंटे प्रतिदिन ही होगा। इफेक्टिवली अगर हम बात करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी जो है वो फुल है ही नहीं है, दे आर नॉट फुल। समझ आ रहा है कि नहीं? हम 4-4 घंटे पर डे का ही काम ले रहे हैं, तो अगर हम 4-4 घंटे पर डे का ही काम लेने वाले हैं तो हमारा जो टोटल वर्क कंप्लीशन है जो हमें दिखाना है, मतलब 200 यूनिट का हमें वैल्यू क्रिएट करना है लेटर से, 25 × 8 = 200 होता है, वो वैल्यू ऐसे नहीं क्रिएट होगी। तो इसको हम पहले इफेक्टिवली थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, ये जो एक लिखा है तुमने, ये एक जो दिन है इसको आर्स में कन्वर्ट करिए, ये एक यूनिट को आर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बनेगा 4, 1 × 4 = 4, 3 × 4 = 12, 6 × 4 = 24। तो ये आर्स का डेटा हो गया, राइट? तो जो टोटल वर्क यूनिट यहां से मिलेगी 12, 4, 16, और 16 और 24 मिलेगी 40। अब ये 40 जो है ये आर्स से हमने डेटा को मैप कर दिया, ठीक है। तो आप इफेक्टिवली बोलोगे कि जो हमारा 3 दिन है उस 3 दिन में हमारा 40 यूनिट का काम हो रहा है, ये आर्स से मैप कर दिया हमने। तो 200 हमें कराना है, बट 3 दिन में हमारा 40 हो रहा है एक तरह से। तो आपको यहां से 5 गुना कर दो तो ये 15 दिन बनेगा, और ये 40 × 5 = 200 यूनिट का काम हो गया, तो आंसर आपका 15 डेज आ गया। तो वी हैव टू मैप दिस डेटा विद आर्स, ठीक है, क्लियर है? यस, समझ में आया कि नहीं? यस, ऑलराइट। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? फिर मैं कुछ दूसरा तरीका तुम्हें बताता हूं, सेकंड वे मेथड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ जी, जो 60 था उसका भी 1/4 कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, वो भी कर सकते थे। देयर इज वन मोर वे टू अंडरस्टैंड द सेम क्वेश्चन। ओके, सो द सेकंड वे टू अंडरस्टैंड द सेम क्वेश्चन विल बी कि हम जो 8 घंटे है उसको अलग ही रखें, और हमें पता है कि भाई 25 दिन में ए इस काम को खत्म कर लेता है, ए 25 दिन में खत्म कर लेता है, और ये 8 घंटे हमने लिख दिए। अब देखो, एक बार बताओ कि जब ये काम ऐसे कर रहे हैं, हमने एफिशिएंसी रेशियो भी लिख ही रखा है 1, 2 और 3 एबीसी का, तो यहाँ ये 1 है, यहाँ ये 2 है, यहाँ ये 3 है। अगर हम शुरुआत की एफिशिएंसी से कंपेयर करें, ये 8 के बजाय अगर 4 घंटे ही काम कर रहे हैं मान लिया, तो वांट यू से कि ये एफिशिएंसी हाफ होगी, एफिशिएंसी 1 होगी, और ये एफिशिएंसी 3/2 होगी, बिकॉज दे आर जस्ट वर्किंग हाफ ऑफ द एक्चुअल वर्क। तो राधर इनको हम 1 एफिशिएंसी बोलेंगे, इसको 1/2 बोलेंगे। 1 तो तब बोलते जब ये फुल 8 घंटे काम करते, और ये 4 घंटे ही कर रहे हैं, तो 1 के बजाय 1/2 लिखना पड़ेगा, 2 की जगह 1 लिखना पड़ेगा, 3 की जगह 3/2 लिखना पड़ेगा। तो ये जो कंबाइंड एफिशिएंसी है, जरा इसको आप कैलकुलेट करो, बताओ कितना है। आपको ये मिलेगी 3, मिलेगी या नहीं मिलेगी? 3/2, 1/2 और 1। तो जो कंबाइंड एफिशिएंसी आपको यहां दिख रही होगी वो 3 की दिख रही होगी, एक तरह से 3 की एफिशिएंसी मुझे टोटल इफेक्टिवली दिख रही है, बिकॉज ये काम जो कर रहे हैं वो 4 यूनिट ही कर रहे हैं। हाँ जी, मेक सेंस और नॉट? 4 आवर्स पर डे करने की वजह से जो वैल्यू है वो इस तरह से आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक ये है कि हम एफिशिएंसी से मैपिंग करके फिर हम सोचें, बट ये बहुत लोगों को तकलीफ देता है इस तरह से सोचना। तो हम एक काम और भी कर सकते हैं, देयर इज वन मोर वे टू थिंक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि ये जो देखो, पहले तो सवाल का उत्तर आ चुका है, सभी को ये पहले समझना पड़ेगा कि भाई सवाल का उत्तर मुझे मिल चुका है, बोलो हाँ या नहीं, कि सवाल का उत्तर पाने में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल का उत्तर मिल गया, अब हम ये कोशिश कर रहे हैं बस कि हमारी जो कैलकुलेशन है, क्या हम किसी और तरीके से करके और थोड़ा सा अपना जो समय है
वो समय हम बचा पाएं, अगर कुछ ऐसा तरीका है तो उस तरीके से हम आगे बढ़ लें। ठीक है, तो हम एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत इत्मीनान और ध्यान से आप देखो, जो सबसे सरल पड़ेगा सोचने के टर्म्स में, कि हमारा जो काम है ए बी सी की एफिशिएंसी, अगर मैं यहां लिखूं 1 2 3, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ए की एफिशिएंसी को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 यूनिट का काम आएगा। यहां मैंने आर्स को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, लेकिन हमें पता है सेकंड केस में 4 आर्स पर डे है, यहां पर 8 आर्स पर डे है। तो क्या मैं ये बोल दूं कि इस 25 दिन का जो यहां काम है वो यहां पर अगर मैप करेंगे तो वही चीज होने में 50 लगेगा। यस, बिकॉज ऑफ द हाफ टाइम गिवन टू द वर्क। तो जो काम यहां 25 वर्क डेज में हो रहा है, यही काम यहां पर 50 वर्क डेज में होगा। ये क्लियर है? तो जो काम आप यहां 25 यूनिट का बोल रहे हो, अगर मैं नंबर ऑफ डेज में 8 घंटे की जगह 4 घंटे ही काम लेता हूं तो ये 50 वर्क डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये 50 वर्क डेज में कन्वर्ट होता है तो अब मेरा आर्स का डेटा मेरे काम का नहीं है, वो हटा दिया हमने, इनकॉर्पोरेट कर लिया उसको। और जब हमने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया, फिर हम यही लिखेंगे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो एक तरह से 3 दिन में हमारा जो काम हो रहा है वो 6 यूनिट का हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? मेक सेंस? 3 दिनों में कंबाइंड आप देखो तो आप 6 यूनिट का काम कर पा रहे हो, 3 यूनिट, 2 यूनिट, 1 यूनिट। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? क्या ये बात मैंने सही लिखी है? नहीं, जो वैल्यू थी वो 1 3 6 थी, और अगर ये वैल्यू 1 3 6 थी तो आप 10 यूनिट का काम कर पा रहे हो। तो आप यहां लिखिए 1 3 6 1 3 6, तो टोटल आप 10 यूनिट का काम कर रहे हो 3 दिनों में, 10 यूनिट्स 3 दिन में। आपको 50 करना है तो 3 × 15 दिन हो गए। तो ये भी एक तरीका है, जैसे पसंद आए करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 को गौर से देखते हैं। 1 3 6 क्यों? स्मृति जी पहले सवाल पढ़िए, एफिशिएंसी रेशियो सबसे पहले एक्सप्लेन किया था मैंने सवाल की शुरुआत में, सबसे पहले। हाँ जी, सवाल की शुरुआत में ही एक्सप्लेन कर दिया था मैंने कि 1 3 6 क्यों। शॉर्ट टर्म मेमोरी अगर लॉस होगा आपको तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। डोंट डू दिस, मेडिटेट 5 मिनट्स बिफोर द क्लास। आई डू दैट, 5 मिनट शांत होकर बैठ जाता हूँ। ठीक है, आप भी करो क्लास के पहले, ताकि मन सवाल में लगे। कंसंट्रेशन नहीं बनेगा तो फिर डेटा उड़ जाएगा, डेटा उड़ जाएगा। ए टेक्स 8 आवर्स टू प्लो एज मच फील्ड एज बी इन 6 आवर्स। प्लो का मतलब क्या होगा? इट्स अबाउट सर्टेन काइंड ऑफ वर्क। कोई काम है जो 8 घंटे में ए कर लेता है, बी इसको 6 घंटे में कर लेता है। सी 12 घंटे टू प्लो एज मच फील्ड एज बी इन 10 आवर्स। तो सी और बी का रिलेशनशिप दिया है, ए और बी का रिलेशनशिप दिया हुआ, तीनों मिल जाए अगर तो 63 घंटे में इस देख ऑल कैन प्लो ए फील्ड इन 63 आवर्स वर्किंग टूगेदर। इन हाउ मेनी आवर्स ए एंड बी टूगेदर प्लो द फील्ड। पहले तो एफिशिएंसी रेशियो लिखो सबका। तो यहां से दिया है 8 घंटे में ए जितना प्लो करेगा, 6 घंटे में बी उतना प्लो करेगा। ए और बी का अनुपात अगर मैं लिखूं तो कितना आएगा? 2 3 6 2 4 8। फिर मैं सेम चीज बी और सी के लिए लगा दूं। ओके, देखिएगा यहाँ बी और सी, 12C = 10B। यहां से अगर आप बी और सी का रेशियो लिखोगे तो 6:5 आएगा, 6:5। ठीक है, ऑल राइट। अब ये 4 और 6, तो अगर मैं इनको ए बी सी का रेशियो कंबाइन करके लिखूंगा तो ऐसे आता है, 6 3 18, 6 4 24, 5 4 20, 2 9 18, 2 12 2 10, 9 12 10 आ गया। ओके, ए बी सी का अनुपात आ गया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, तीनों मिल जाएं तो 63 घंटे में किसी पर्टिकुलर फील्ड को फ्लो कर सकते हैं। तीनों को मिला दो, 12 9 21 और 10 31, 31 की एफिशिएंसी से 63 घंटे में कोई पर्टिकुलर फील्ड फ्लो हो सकती है। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया उस फील्ड को फ्लो करते समय। अब यही चीज हमें ए और बी से अगर करानी हो इसी फील्ड को, तो 12 और 9 कितना बनेगा? 21। 21 तिया कितना हो गया? 63। और 21 तिया कितना हो गया? 93। तो 93 डेज लग जाएंगे, या 93 आवर्स बोलना चाहिए, डेज नहीं, आवर्स में डेटा, तो आवर्स लग जाएंगे। सभी को समझ आया? थम्स अप हिट करो जरा, अंगूठा तोड़ दो अपना। ओके, अंगूठा तोड़ दो। हाँ जी, so that's how the question can be done. आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। A takes 12 more days than B to finish a work. A takes 12 more days than B to finish a work. A and B start this work and B leaves the work 42 days before the work is finished. If A completes 75% of the work, how long would A have taken to finish the work alone? तो जरा इसको सॉल्व करते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, और उत्तर निकालते हैं। तो A को कह रहा है 12 ज्यादा दिन लगते हैं B की तुलना में एक काम को पूरा करने में। तो जरा जिन लोगों को खुद से करना है आप खुद से करिए, मैं जरा बोल भी देता हूँ आपको। ए और बी में समय का अंतर हुआ है,
ए और बी ने काम शुरू किया, बी काम को 42 दिन पहले छोड़ देगा, ए 75% काम कर रहा है, हाउ लॉन्ग वुड ए हैव टेकन टू फिनिश द वर्क अलोन, ए गुड क्वेश्चन, बिकॉज क्या दे रहा है कि ए 75% काम कंप्लीट कर रहा है, तो बी डेफिनेटली 25% काम कर रहा होगा और बी ने 42 दिन कम काम किया है, बी ने 42 दिन हमारा कम काम किया है, तो यहाँ थोड़ा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कई लोगों ने सॉल्व भी कर लिया है कि इसका आंसर 24 आएगा, विल सी इसका आंसर क्या आएगा, कैसे अप्रोच किया आप लोगों ने सवाल को, हाउ डिड यू अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्या कोई आपने वर्क यूनिट अज्यूम किए, किस तरीके से आपने सवाल को किया है। सो देखो एक तरीका इस सवाल को करने का कुछ ऐसा है, ए का लिखा है कि ए 75 कर रहा है, ठीक है 75 कर रहा है, तो उससे क्या मिलेगा आपको, ए ने कितने दिन काम किया है ये नहीं पता है, दिस इज नॉट गिवन, हाँ जी लॉजिकल सेंस से उत्तर लगा दिया आपने, कैसे हाउ, ऑप्शन आपने यूज किया, और ऑप्शन में यूज करने से पहले आप 20 पकड़ोगे, फिर आप 15 पकड़ोगे, फिर आप 24 पकड़ोगे, फिर आप 16 पकड़ोगे, तो क्या मैं ये एज्यूम करूं कि आपको तीसरे अटेम्प्ट में उत्तर मिला, तो दैट इज ऑल्सो लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल तो नहीं है फिर, ओके तो पहले मैं आता हूं इस सवाल को ट्रेडिशनली कैसे कर सकते हैं, ठीक है लेट मी कम टू दैट, फिर हम ऑप्शन चेकिंग को एक्सप्लोर करेंगे, तो आप करो कि जैसे 3/4 काम हमें पता है ए ने किया है, तो मैं लिख रहा हूं 3/4, कितने दिनों में किया है, आप कहोगे एक्स दिनों में किया है, मान लेते हैं एक्स दिनों में किया है, तो बाकी जो 1/4 काम है वो किसने किया है, मैं एक दिन का काम लिखना चाह रहा हूं, तो ये भी दिया हुआ है मुझे कि जो बी है 3/4 काम कर रहा है, ए मेरा एक्स दिनों तक, मान लिया एक्स दिनों में काम कंप्लीट हुआ, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं 3/4/x, ये 1/4 काम कर रहा है तो 1/4 इंटू ये काम कर रहा है केवल एक्स माइनस 42 दिन, और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है, मैं इसको किसके इक्वेट करूं, ये एक दिन का काम है तो आप कहोगे इसको मैं किसके इक्वेट करूं, ये भी मेरे को नहीं पता है, इसको मैं किसके बराबर करूं, किसके बराबर करूं इस वैल्यू को, क्या ये सवाल इस प्रकार से मैं बढ़ूं आगे या ऐसे नहीं बढ़ना है, ऑब्वियसली ऐसे नहीं बढ़ना है राइट, मैं आप दूसरा तरीका आपको बताता हूं, जैसे क्योंकि राइट साइड में आप क्या लिखोगे यहां पर कुछ पता ही नहीं है, तो दूसरा तरीका बताता हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पर कि जो नंबर ऑफ डेज है ए और ध्यान से देखना आप, ए ने कितना दिन काम किया, मान लिया एक्स दिन काम किया, एक्स ए काम होगा ठीक, बी ने कितना दिन काम किया है, बी ने एक्स माइनस 42 दिन काम किया है इस प्रोसेस में, तो एक्स माइनस 42 इंटू बी होगा, और ये भी मुझे पता है कि इसका 3 गुना करने पे मुझे ये मिलेगा, यस और नो, दिस इज द वन इक्वेशन दैट आई कैन क्रिएट एटलीस्ट, कि भाई क्योंकि 25% काम बी कर रहा है तो x दिनों में a ने 3 गुना काम किया, एटलीस्ट इतना तो मैं लिख ही सकता हूं, बट यहां से भी आपका उत्तर नहीं आया है, क्योंकि आप यहां से a बटा b का एफिशिएंसी रेशियो जरूर लिख सकते हैं, कि ये 3 इंटू एक्स माइनस 42 है बटे x है, पर ये बात बताओ कि अगर ये मैंने लिखा यहां पर क्या इससे मेरा आंसर आएगा, नहीं इससे मेरा उत्तर नहीं आएगा, बट उत्तर आ जाएगा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो, हेलो हाँ कौन बोला जी, अभी मैं क्लास में हूं प्लीज, 3 क्यों 25% काम का 3 गुना करने पे 75% काम बनेगा ना मैडम, अब देखिए ये जो प्रोसेस है मैंने आपको जो अभी लिख के दिखाया कि ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो हुआ, ये किसका रेशियो हुआ, ये एफिशिएंसी का रेशियो हुआ, एफिशिएंसी रेशियो का उल्टा क्या होता है, टाइम रेशियो होता है ठीक है, तो मैं यहां से टाइम रेशियो भी चाहूं तो लिख दूं, इसका उल्टा हो जाएगा, समय में अंतर 12 का है, तो 12 का अंतर अगर आप क्रिएट करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई मामला फिर से गड़बड़े, क्योंकि एक्स जो वेरिएबल है वो खत्म कैसे करोगे आप, यहां पर भी जो 12 मोर दिन लिखा है ना, ये दिस इज नॉट लाइक कि 1:3 टाइप का कुछ लिखा हुआ, ऐसा कुछ डेटा मुझे नहीं दिया हुआ, नॉट गिवन, तो ट्रेडिशनली सवाल में बढ़ने में थोड़ी तकलीफ आ रही है आपको, यस ऐसा नहीं कि सवाल ट्रेडिशनली होगा नहीं, मैं आपको बस शुरुआत दे रहा हूं ताकि आप इस पर थोड़ा सोचेंगे, ये होमवर्क ही जाएगा आपका ट्रेडिशनल तरीका। अब आते हैं बात करते हैं कि अगर हम ऑप्शन चेक करते तो क्या होता, अगर आप ऑप्शन चेक करते तो आप मान लेते भाई लेटेस्ट से कि जो वैल्यू दी है कि ए को 20 दिन लगते हैं, मान लेते हैं, तो यहां पर सब कुछ पता हो जाता है ऐसे कि ए को अगर 20 दिन लगा तो बी को
आठ दिन लगेगा क्योंकि ए को 12 दिन ज्यादा लगता है, तो ये दोनों वैल्यू आपको पता चल गई राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ए 20 बी 12, यहाँ पर आपका साफ साफ लिखा है आपके सामने। सेकंड ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ 15 मिलेगा ए, ये 3 मिलेगा, यहाँ ये वैल्यू 24 मिलेगी, 12 कम करोगे 12 मिलेगी, यहाँ पर ये वैल्यू आपको 16 मिलेगी, 16 में 12 कम करोगे 4 मिलेगी। तो एक तरह से नंबर ऑफ डेज क्या है हमको मालूम है, यस नंबर ऑफ डेज हमको मालूम। अब इस डेटा का यूज करके हम जाके देख सकते हैं कि भाई ए ने काम शुरू किया, अगर ए ने 75% काम किया है, और अगर आप अभी ऑप्शन चेक करोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से इस सवाल में आगे बढ़ सकते हो ट्रेडिशनली, वो हिंट भी यहां आपको मिलेगी। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर ए ने 75% काम किया है तो नेचुरली ए ने इस 20 का 75% यानी 3/4 किया होगा, यानी ए ने इफेक्टिवली 15 दिन काम किया होगा, यस और नो? ए जब 15 दिन काम करेगा तभी 75% काम कर पाएगा, अपने नंबर ऑफ डेज का 3/4 दिन काम करे वो, क्लियर और नॉट? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तभी ऐसा हो सकता है। हाँ जी, तो हमें इसके नंबर ऑफ डेज पता चल जाएंगे, इसके नंबर ऑफ डेज पता जाएंगे कि इफेक्टिवली इसने कितना दिन काम किया। ए और बी ने काम शुरू किया, बी काम को 42 दिन पहले पूरा होने के छोड़ के चला जाएगा। हम ये भी तो कह सकते हैं कि 25% काम बी ने किया, बिल्कुल बोल सकते हैं, यस वो तो हमने बोला ही कि बी ने 25% काम किया है। हाँ जी, आई सेड दैट। ये तभी तो हमने यहाँ ये क्वेश्चन कैसे लिखी थी, ये क्वेश्चन तभी तो लिखी थी कि 25 × 3 बराबर इसके बराबर है। तो ये ऑप्शन चेक करने का तरीका हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा इस सवाल में आप जूझो और मुझे ट्रेडिशनली थोड़ा छोटा तरीका आप लोग बता पाओ। बहुत आसान है सवाल, मुश्किल नहीं है सवाल, ऐसे भी लिख के नहीं करना है, सवाल काफी सरलता से हो जाएगा अगर आप करना चाहो तो। हाँ जी, काफी सरलता से हो जाएगा इफ यू रियली रियली वॉन्ट टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको एक बार थोड़ा हाथ पैर मारना है इस सवाल पे, मैं चाहता हूँ कि आप सोच लो पहले, फिर मैं इसका सोल्यूशन दूँ। और आसान सवाल है, क्वेश्चन बनेगी और क्वेश्चन से आंसर आ जाएगा, ठीक है? ट्राई करके आना इसको, नेक्स्ट क्लास यानी कल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ठीक से। डायरेक्शन कुछ दिखाया है मैंने, जस्ट थिंक अबाउट दैट कि ऐसे सवालों को किस तरह से अप्रोच करना है। आगे बढ़ जाऊँ? ओके आकाश, ट्राई करना है इस सवाल को, फिर मैं इस सवाल के बारे में बात करूंगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 47, थोड़ा जूझ के आना इस सवाल में। दो आदमी एक दीवार को 20 घंटे में बना सकते हैं और 15 घंटे बना सकते हैं, लेकिन अगर वो 165 लेस ब्रिक्स पर आर यूज करें तो दे कैन बिल्ड द वॉल इन 12 आवर्स, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। तो 20 घंटे और 15 घंटे में दीवार बनाई जा सकती है, तो कैन यू टेल मी कि अगर दोनों एक साथ काम करें तो कितने टाइम में दीवार बन जाएगी? तो आप कहोगे 20 15 एलसीएम ले लेते हैं 60, 20 60 15 6 60 60/7 आवर्स में ये दीवार बन जानी है, ऐसा नो? अगर ये एक साथ काम कर रहे हैं तो। हाँ जी, आप देखो ये कह रहा है कि यार 12 घंटे में दीवार बनेगी, नेचुरली आपकी एफिशिएंसी कम हुई और वो कम एफिशिएंसी आपको यहाँ दिया है 165 लेस ब्रिक्स पर आवर। तो अगर मैं इसका रेशियो कंप्यूट करूं तो ये 5:7 बनेगा, ये टाइम रेशियो है, एफिशिएंसी रेशियो 7:5 होगा, यानी आपने एफिशिएंसी को 2 यूनिट से रिड्यूस कर दिया, और ये 2 यूनिट आपकी क्या है 165 लेस ब्रिक्स पर आवर, 2 यूनिट का रिडक्शन है, तो ये 2 यूनिट की इक्विवेलेंट वैल्यू हो गई। आप कह रहे हो कि ऐसा करने से दीवार जो है 12 घंटे में बनती। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा यहां पर, और वो सवाल बहुत सिंपल है कि 2 यूनिट की वैल्यू मुझे पता लग गई, मुझे ये भी ज्ञान है कि जो नंबर ऑफ ब्रिक्स मुझे निकालनी है, ठीक है, वो कैसे निकलेगी? बहुत आसानी से निकल जाएगी। आपको बस एक काम करना है कि ये जो 2 यूनिट की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है अभी, जब ये एक साथ काम करते हैं तो आप कह रहे हो कि आपको 12 घंटे लगने वाले हैं, कब? जब आपकी एफिशिएंसी कम हो गई, जब आपकी एफिशिएंसी टोटल 5 हो चुकी है तो आपको 12 घंटे लगते हैं, तो आप कहते हो 5 × 12 इफेक्टिवली वर्क हुआ 5 × 12, और आपका जो एक यूनिट है वो 165/2 के बराबर है। तो यहाँ पर आप ये भी लिखिए, अब ये 2 × 12 बना, ये 5 × 30 × 165 बना, 165 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये 4950 बन जाएगा, ये आपका आंसर होगा। देखो ये जो 5 यूनिट है ना, ये इफेक्टिवली किसके बराबर होगा? 5 × 165/2 ब्रिक्स पर आर, 2 यूनिट 165 के बराबर है ब्रिक्स पर आर, तो 5 यूनिट 5 × 165/2 बनेगा, 5 × 165/2, और इस एफिशिएंसी से मुझे 12 घंटे लग रहे हैं, 12 से गुणा करूंगा तो मुझे ओवरऑल नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल गए 4950, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 48, 6 मैन और 10 वुमेन एक साथ एक जॉब को 1/2 डेज में फिनिश कर सकते हैं, वर्किंग ऑन द सेम जॉब
तीन वुमेन को पांच ज्यादा दिन लगते हैं दो मेन के कंपैरिजन में, आपको बताना है कि रेशियो एफिशिएंसी का मैन और वुमेन का क्या है, ये कंप्यूट करना है। ठीक है, कैसे करोगे आप इस सवाल को? रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैन टू वुमेन आपको कैलकुलेट करना, ट्राई करिए सवाल को, अच्छा सवाल है। वर्किंग ऑन द सेम जॉब थ्री वुमेन टेक फाइव डेज मोर देन द टाइम रिक्वायर्ड बाई टू मैन। हाँ जी, क्लियर, रेशियो निकालना है। यस, कोई कह रहा है तीन बटे दो होगा। वर्किंग ऑन द सेम जॉब थ्री वुमेन टेक फाइव डेज मोर देन द टाइम रिक्वायर्ड बाई टू मैन, थ्री रेशियो टू आ रहा है, क्या अप्रोच है जरा आप कॉमेंट करके मुझे बताइए। तो देखो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि भाई अगर मैं वर्क लिखने जाऊं तो आपको सिक्स मैन प्लस टेन वुमेन इन टू थ्री बाई टू इज द टोटल वर्क, बट इस चीज को मैं किसके बराबर करूं, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को मैं किसके बराबर करूं। ठीक है, कह रहा है तीन वुमेन अगर हों तो वो पांच दिन अधिक लेंगे देन द टाइम रिक्वायर्ड बाई टू मैन, सो हाउ शैल आई राइट दिस पर्टिकुलर केस। अगर मैं नंबर ऑफ डेज को लेट से थोड़ी देर के लिए एक्स मान लूं कि टू मैन अगर एक्स दिन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट से टू मैन आर टेकिंग एक्स डेज, तो वो 2m into x बनेगा और यहां से हमें 3m into x plus 5 मिलेगा। क्या हम इस तरह से लिखेंगे इसको? हाँ जी, हाउ आर वी गोइंग टू राइट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ऐसा लिखेंगे, आपको तीन बटा दो से अगर आप अंदर गुणा कर लो तो आपको वैल्यू मिलेगी 36 18 9m प्लस 15w, यहाँ थ्री, सॉरी यहां पर मुझे लिखना चाहिए था 3w, तो यहां पर ये वैल्यू मिली, यहां पर आपको मिल रहा है 3wx प्लस 15w, यहां पर आपको कुछ लिख रहा है 2mx, ऐसा कुछ लिखा आपने। फिर क्या किया आपने इसके आगे? तो इसके आगे आप कहोगे कि हम यहां से कुछ रिलेशन कर लेते, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 15w की वैल्यू हमारी कटेगी। यस, इट विल गेट कैंसल्ड आउट, 15w की वैल्यू एटलीस्ट हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, और 15w की वैल्यू अगर हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमें मिलेगा 9m इज इक्वल टू 3w इनटू x। क्लियर, दिस इज द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग। तो मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो एक तरह से आपको क्या मिल रहा है, तीन से काटेंगे तीन बनेगा, एक्स रेशियो थ्री मिल रहा है। मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का जो अनुपात है ये मुझे एक्स रेशियो थ्री मिल रहा है। अभी भी आपको दिख रहा होगा कि एक्स एक अननोन ही है, एक्स हमें पता नहीं है। ठीक है, दिस इज व्हाट द वैल्यू इज, कि मैन की एफिशिएंसी एक्स है, वुमेन की एफिशिएंसी हमारी थ्री के इक्विवेलेंट होगी। अब सवाल इस बात का है कि हम एक्स की वैल्यू को कैसे निकालें, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकाल के ही हमारा उत्तर आना है। अब क्या करना है, अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको एक्स पे लग जाना है कि मैं एक्स को कैसे सॉल्व करूं। अगर मैं डब्ल्यू को थ्री रखता हूं, अगर मैं डब्ल्यू को थ्री रखता हूं और एम को मैं एक्स मतलब लिखता हूं तो वैल्यू आ जानी चाहिए। किन इक्वेशंस में रखना चाहोगे आप इसको? आप इन दोनों में रख लो, इन दोनों में रख लो, यहां से कर लो, या आप इन दोनों में रख लो, एक ही बात है। इन दोनों को आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है तो इनको दोबारा यूज नहीं करोगे आप, इनको आप दोबारा यूज नहीं करोगे, आप इन दोनों को यूज करो, ये ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, इसको आप इसके बराबर कर लो या इसको आप इसके बराबर कर लो, एक ही बात। तो चलो करते हैं, इसकी एफिशिएंसी तीन की है, इसकी एफिशिएंसी एक्स की है, मैं रखने जा रहा हूं, तो यहां मिलेगा थ्री इंटू थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू टू इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बना टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस 45 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आपको सोचना है कि मैं कैसे फैक्टराइज करूं कि मुझे ये मिले 9, 45 दुना 90 होता है। ओके, आप मुझे फैक्टराइजेशन बताओ कि 90 को मैं कैसे ब्रेक करूं कि मुझे माइनस 9 मिले। तो आप कहोगे यहां पर ब्रेक करेंगे हम 15 माइनस 15 और प्लस 6 में, माइनस 90 बनता है और यहां माइनस 9 बनता है। यहां से x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 15 बटे 2 और दूसरी वैल्यू x की आएगी माइनस 3, माइनस 3 चलेगा नहीं, एफिशिएंसी नेगेटिव नहीं हो सकती है, x की वैल्यू 15 बटे 2, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर मैं 15 बटे 2 रखूंगा तो यहाँ 15 बटे 2 रेशियो 3 आएगा, 3 5 15 हो गया, ये वैल्यू हमारी आ गई 5 रेशियो 2।
तो ये आपका आंसर है। कौन से लोग हैं जिन्होंने 3:2 तुरंत निकाल लिया था? सरासर गलत था आपका तरीका। ये सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, बहुत ही मजेदार प्रश्न है ये आपका, हवाबाजी में नहीं हो गया सवाल। सिंपल इक्वेशन मैंने लिखी है, पहले दोनों को मैंने इक्वेट किया, इसको और इसको, मुझे मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो क्या मिला? x:3 मिला। x:3 मिलने के बाद मैंने इन दोनों को बराबर किया, m की वैल्यू मैंने x रख दी, w की वैल्यू मैंने 3 रख दी, तो मुझे एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। और जब उसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे x की वैल्यू मिली 15/2, और जाके जब मैंने यहां रख दिया तो मुझे रेशियो मिल गया 5:2। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फर्स्ट और थर्ड वाली में नहीं रख सकते, रख लो, फर्क क्या पड़ेगा रोहित? यहां तो एक्स स्क्वायर बनेगा ही अननेसेसरी, आप यहां पर एक्स और लिखोगे, यहां भी एक्स लिखोगे, यहां 3 लिखोगे, लंबी इक्वेशन बनाओगे, बनेगा यही, सॉल्व होकर उत्तर यही आना है आपका। तो इट्स बेटर कि हम वहां रखें जहां छूटा पड़े ना हमें, ये तरीका ठीक है। एनी शॉर्टकट? देयर इज नो शॉर्टकट ऑप्शन, समटाइम्स यू हैव टू पुट एफर्ट टू गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, बी 20% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, बी ने काम करना शुरू किया, 2x दिन काम करेगा, फिर हमने बी को रिप्लेस कर दिया ए से, और ए ने कंप्लीट किया है बाकी काम 2x+8 डेज में, रेशियो ऑफ द वर्क डन बाई ए एंड बी 3:2 है, आपको एक्स का मान बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, कैलकुलेट करिए एक्स का मान निकालिए। तो बी और ए की एफिशिएंसी का अनुपात दिया है मुझे कि बी 20% ज्यादा एफिशिएंट ए से है, तो ये अगर 5 होगा तो ये 6 होगा, क्यों? क्योंकि 20% की जो वैल्यू होती है ये +1/5 होती है, तो ए की एफिशिएंसी को अगर मैं 5 मानता हूं तो ये उससे 20% ज्यादा है, तो ये 5:6 हो गया। बी ने 2x दिन काम किया, फिर हमने बी को ए से रिप्लेस कर दिया, ए ने बाकी काम 2x+8 डेज में पूरा किया, और कह रहा है कि ए और बी ने जो कुल काम किया है वो 3:2 में है। तो देखिएगा, बी अगर 2x दिन काम कर रहा है 6 की एफिशिएंसी से, तो 6×2x काम किया इसने, ठीक है। ए ने क्या किया है, 2x+8 डेज काम किया है 5 की एफिशिएंसी से, तो ए ने इतना काम किया है, और ये काम का रेशियो मुझे 3:2 दिया हुआ, लिख दो एफिशिएंसी इंटू टाइम वर्क डन, ये ए का काम हो गया, बी का काम हो गया, रेशियो लिख दिया उठा। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, ये वैल्यू हो गई आपकी 6×3=18, 18/5, और यहाँ आपका है 2x+8, और यहाँ है आपका x, 5×2=10 और 18, यहाँ बनेगा 8x=40, ऐसा बनेगा, 10 18 में से घटेगा, x की वैल्यू हमारी 5 आ गई, तो 5 आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। m और w का मान x:3 को सेकंड इक्वेशन में रखकर कर सकते हैं, उससे आंसर 3:2 आया था। राज बाबू, अगर आपने कोई और वैल्यू निकाली है तो आपने गलत सॉल्व किया, बस और कुछ नहीं किया, ठीक है, समझे कि नहीं मेरी बात को, आप जाके दोबारा चेक करना, हमने भी वही इक्वेशंस यूज करी है, 3 इक्वेशंस है मेरे पास, इफेक्टिवली 2 ही इक्वेशंस हैं, तो उत्तर अलग नहीं आ सकता है, आपने कुछ गलती करी है सॉल्व करने में, घर पे जाके चेक करना कहाँ गलती करी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, एक आदमी काम करता है दुगना एक वुमेन की तुलना में, हु इज ट्वाइस एज फास्ट एज चाइल्ड, 18 आदमी 21 दिन में काम कर सकते हैं, हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर 18 वुमेन एंड 6 चिल्ड्रन टुगेदर टू कंप्लीट द सेम जॉब। देखिए, आपको यहाँ पर मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया है, 2:1, 2:1 दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ, यस, और वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो भी 2:1 है। इफेक्टिवली अगर मैं मैन वुमेन चाइल्ड तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो लिखने जाऊं तो मैन ऐसा बनेगा 4:2:1 बनेगा, है ना, कि भाई चाइल्ड का दुगना वुमेन है, वुमेन का दुगना मैन है, तो ये दिस इज द रेशियो 4:1। अब कह रहे हैं 18 आदमी कैन कंप्लीट ए जॉब इन 21 डेज, तो 18 आदमी है, तो आपने कहा 4×18 टोटल जो हमारा वर्क है वो 72 यूनिट्स का काम है हमारा, ये लिख दिया मैंने। अब कह रहा है आपसे कि इस 72 यूनिट का काम अगर मुझे कराना हो 4 की एफिशिएंसी से 18 दिन लगे, नहीं 18 मेन है, सॉरी 18 मेन है, दिस इज नॉट द डेटा, ऐसे लिखना है हमें, तो 18 मेन हो गए तो उनकी एफिशिएंसी हो गई 18×4 की, और 21 दिन लग रहे हैं, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब यही काम मुझे कराना है 18 वुमेन और 6 चिल्ड्रन से, 18 वुमेन 18×2 की एफिशिएंसी टोटल 36 हो गया, और 6 चिल्ड्रन का मतलब 6×1 6, तो ये वैल्यू हो गई 18×4×21/36=42, 21×42 हो गया 72/2 आपका हो गया 36 दिन, तो यहाँ पर 36 डेज आपकी वैल्यू हो गई, आंसर क्या हो गया अभी, ठीक है। आपका क्वेश्चन 30 सेकंड में नहीं होता, 30 सेकंड में हर सवाल थोड़े ना होता है, ठीक है, और हमारी शीट में हर सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, हमें तुम्हें स्किल देनी है भैया, तो स्किल अगर देनी है तो क्या मैं PYQ कराऊं बस, नहीं ना, और हर 30 सेकंड वाले सवाल बना के तुम्हें क्या लगता है तुम अच्छे बन जाओगे, कभी नहीं बनोगे, ठीक है, तो मुझे तो स्किल देने के लिए कुछ सवाल ऐसे लेने पड़ेंगे जो जो आपको परेशान करें ताकि आपकी स्किल बिल्ड हो। क्वेश्चन नंबर 51, ABC कैन डू ए वर्क सेपरेटली, 9, 18 और 27 दिन में करेंगे ABC अलग अलग, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया, बट बी एंड सी लेफ्ट
2.5 days and 5 days respectively before the completion of the work. In how many days was the work finished? ठीक है, 9, 18, 27 साथ में काम शुरू किया, बी और सी ने 2.5 और 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, कितने दिन में काम खत्म हुआ है मुझे निकालना है। सबसे पहला काम ये करो आप कि एबीसी की वो एलसीएम निकाल लो, तो यहाँ अगर 27 है तो 54 बन जाएगा एलसीएम, 9, 18, 27 का एलसीएम 54 होता है। अब ये 9 वाला जो होगा 9, 6, 54 देगा, 18 वाला जो है 18, 23, 54 देगा, जो 27 है ये 27, 2, 54 आपको देगा, 6, 3, 9, 2, 11 बनेगा टोटल। काम ऐसे कराना नहीं है एक्चुअली, तो देखो ध्यान से, मान लेते हैं एक्स दिनों में काम पूरा हुआ, मान लेते हैं तो 54 यूनिट का काम हुआ होगा। मान लेते हैं कि बी ने 2.5 दिन पहले इस काम को नहीं छोड़ा होता, छोड़ा ही नहीं होता, अंत तक काम करता, तो अगर बी अंत तक काम करता तो 54 यूनिट के बजाय बी 2.5 दिन और काम करता तो 7.5 यूनिट का काम और कर देता, 3.5 × 2.5, 7.5 काम और हो जाता। भाई 54 यूनिट का काम पूरा हो गया है जब बी ने 2.5 दिन पहले छोड़ दिया है, सी ने 5 दिन पहले छोड़ दिया, मैं कह रहा हूं नहीं छोड़ेगा, अगर नहीं छोड़ता अंत तक काम करता तो 2.5 दिन में 7.5 यूनिट का काम बी और कर देता, सी 5 दिन और काम करता तो 10 यूनिट का काम और कर देता। तो तीनों अगर अंत तक काम करते, जो एक्स दिनों में काम खत्म हुआ है, अगर तीनों काम करते एक्स दिनों तक तो इतना काम हो जाता, और तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है, 6, 3, 9, 2, 11 है, यस। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ डेज, ठीक है, ये वैल्यू होगी 54, 7, 61, 10, 71.5/11, 11×66, 11×55, 6.5 डेज, ए ऑप्शन। 10 बता दो, 10 मतलब मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले मैं बोल रहा हूं बालक कि काम मान लेते हैं एक्स दिनों में खत्म हुआ, मैंने क्या बोला कि मान लो कि काम तुम्हारा एक्स दिनों में खत्म हुआ, हाँ जी, अगर आपका काम एक्स दिनों में खत्म हुआ है तो एक्स दिनों में 54 यूनिट काम हुआ है, ठीक है, बट इसमें बी ने 2.5 दिन पहले छोड़ दिया है, सी ने 5 दिन पहले छोड़ दिया, मैं कह रहा हूं कोई नहीं छोड़ेगा काम, तो अगर काम नहीं छोड़ेगा तो बी 2.5 दिन में कितना और काम करता, 7.5 यूनिट जोड़ दो, सी कितना करता, 5 दिन और करता, 5×2, 10 यूनिट काम करता, तो अगर तीनों इस एक्स दिन काम कर जाते तो टोटल काम इतना हो जाता, और तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होती, 11, तो डिवाइड करो तो नंबर ऑफ डेज निकल गया ना 6.5, दैट्स द आंसर। 52वां सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, पी और क्यू एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं, क्यू और आर 15 दिनों में कर सकते हैं, पी इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज आर, फाइंड इन हाउ मेनी डेज क्यू अलोन कैन डू द वर्क, क्यू अकेले कितने दिनों में काम कर सकता है, पी क्यू 9 दिन, क्यू आर 15 दिन, पी तो P और R की एफिशिएंसी का रेशियो मुझे क्या दिया है, 2:1, P और Q 9 दिन, Q और R 15 दिन, फाइंड इन हाउ मेनी डेज Q alone कैन डू द वर्क। दो रिलेशनशिप मेरे सामने है, 3×9, 3×5=15, तो यहां पर आप लिख सकते हो 3P + 3Q is equal to 5Q + 5R, ठीक है, सेकेंड रिलेशनशिप यहां से आप लिख सकते हो कि P = 2R, ठीक है, तो P को 2R लिख दो, 6R + ये 5 मैं 3 घटा लेते हैं, 2Q + 5R, R की वैल्यू क्या हो गई, 2Q, तो यहां से देखो P और R का रेशियो तुम्हें पता है 2:1, और R और Q का रेशियो भी क्या है, 2:1, PQR का रेशियो लिख लो, PQR का रेशियो 2×4 P होगा, R बनेगा 2, राइट, कॉमन है, P की वैल्यू आ जाएगी 1, ये रेशियो होगा 4:1, PQR का रेशियो लिखा गया, R लास्ट में जाएगा तो 2×1 लास्ट में जाएगा। अब आप देखो P एंड Q 5 की एफिशिएंसी से 9 दिन में काम होता है, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ये काम मुझे किससे कराना है, Q से अकेले, क्योंकि एफिशिएंसी 1 है, से लगेगा 45 days इज आंसर ए, ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बता दो, होना नहीं चाहिए, क्लियर, यस, दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन। हमें बस रिलेशनशिप डेवलप करनी कि पी क्यू आर का रेशियो क्या है, वो निकल गया तो हमने पी और क्यू 4×5×9 45 मिनट का काम है, क्यू की एफिशिएंसी 1 की डिवाइड किया 45 दिन हमारा उत्तर आ गया। 53वां सवाल देखिए, जो वेजेज पर वीक है 12 men और 7 women के वो इतना है, और 3 men और 10 women का इतना है, टोटल वेज ऑफ ए मैन एंड ए वुमेन फॉर ए वीक। तो ये तो यार बहुत आसान सवाल है, मतलब इक्वेशन दी हुई है आपको, एक वीक का डेटा दिया हुआ है,
पर वीक में पहले ये डेटा दिया है कि 12 मेन प्लस 7 वुमेन अगर हैं तो इनका इतना बनेगा 3745, और यहाँ कह रहा है 3 एम प्लस 10 डब्ल्यू है अगर, तो ये वैल्यू हमारी 2380 बनेगी। हाँ जी, सॉल्व करना है हमें बस खाली, और एम प्लस डब्ल्यू की मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्या करूँगा मैं इसको 4 से गुणा कर लूँ इस इक्वेशन को। तो बेसिकली मैं इक्वेशन 2 को 4 से गुणा करके इक्वेशन 1 माइनस कर रहा हूँ। ये हमारी इक्वेशन 2 है, ये हमारी इक्वेशन 1 है, और अगर मैं ऐसा माइनस करूँगा तो 12 में से 12 कट जाएगा, 10 चौके 40 में 7 जाएगा, और ये बनेगा 33W इज इक्वल टू, इसका 4 गुना करना है मुझे, 23 चौका 92 होता है, 92 और 3 95 120 बनेगा, ये 80 × 4 = 320 है, तो 9200 कर लिया। 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया रीजू? ये मत बोलो कि तुम्हें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आती है। भैया मैं W की वैल्यू निकालने के लिए M को एलिमिनेट कर रहा हूँ, ऐसी बातें मत करो। मैं आपके क्लास 5th के मास्टर को फोन करूंगा अभी, समझ लो 5th क्लास में पहुंचा दूंगा वापस तुमको। इक्वेशन सॉल्व करना आपको नहीं आता, ऐसा मत बोलो। बचपन में यही काम तो किए, और किए क्या हो तुम? इक्वेशन सॉल्व करना, W की वैल्यू निकालो यहां से, 9520/33। देखो कट रहा है क्या आंसर, कई लोगों ने निकाल लिया। W की वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ, 5975 होगा क्या? जी हाँ, अभी मैंने घटाया ही नहीं है। वो लड़का कौन था, उसने डिस्टर्ब कर दिया, मैं घटाना ही भूल गया। देखो ठीक है, तो 9520 में आप मुझे 3745 माइनस करना है। ठीक है, कर लो 5775, ऐसा कुछ आ रहा है। ओके ठीक है, अब इसको मुझे डिवाइड करना है 33 से। आप पहले 11 से काट लो, 11 3 33, 11 5 55, 11 2 22, 11 5 55, फिर 3 से काट लो, 3 9 3 3 7 21, 3 5 15, डब्ल्यू की वैल्यू 175 आ गई। डब्ल्यू जब 175 आया तो मुझे किसी भी एक इक्वेशन में रखना है और हमें निकालना है। जाहिर सी बात है यहाँ रखो, क्योंकि 175 सीधा गुणा हो जाएगा 1750, तो 3m इज इक्वल टू 2380 माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 175 रखेंगे तो इतना बन जाएगा। तो इसको घटा लेते हैं, 23 में 17 गया 6 और 630 बन जाएगा ये। एम की वैल्यू 630/3 आ गई, 210 आ गई। अब मुझे करना क्या है, एम प्लस डब्ल्यू का मान चाहिए बस। एम प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 210 प्लस 175, 385 ये आपका आंसर है। और एक बात देखना, आपको क्या सर यहाँ तो एक वीक का पूछ रहा है, ठीक है, तो ये सारा डेटा एक वीक के लिए ही था। ये जितनी भी क्वेश्चन मैंने बनाई वो एक वीक के लिए ही बनाई थी, तो वो एक वीक कोई दिक्कत ही नहीं, वो एक वीक का ही डेटा निकला है। एम की जो वैल्यू आई 210 या डब्ल्यू की वैल्यू जो 175 आई, वो एक वीक की वैल्यू ही है। तभी तो मैंने 12 × m 7 × w 3745 लिखा था, क्योंकि हम एक वीक की कैलकुलेशन कर रहे हैं सीधे, तो एक वीक का डेटा आ गया, जोड़ दिया आंसर आ गया। ठीक है, अब 175 कैसे आया, ये आप घर पे जाके इस इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व करके देखना। अगर दो की पूछता तो दो गुना कर देते, इसमें क्यों घबरा रहे हो तुम? भैया जब मैंने m निकाल लिया, मैंने w निकाल दिया, तो m और w का एक एक हफ्ते का पैसा मिल गया। दो पूछेगा दो गुना कर लो, उसमें क्या है, 54 साल। p एक काम को 60 दिनों में कर सकता है, q उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, q काम शुरू करता है, कंटिन्यू करता है 12 दिन तक अकेले, फिर पी इसको ज्वाइन कर लेता है। फाइंड द टाइम टेकन बाई बोथ टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ओके हाँ जी, नहीं कोई शॉर्टकट नहीं है, कैलकुलेट करो बैठ के सवाल को, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है और कोई तरीका नहीं है। ऑलराइट, सवाल देखिए ध्यान से, 60 36 पी क्यू 180 एलसीएम बनेगा, 60 × 3 = 180, 36 × 5 = 180। क्यू ने काम शुरू किया, 12 दिन करेगा अकेले, तो क्यू अगर 12 दिन अकेले करेगा तो 60 यूनिट का काम हो जाएगा, 12 × 5 = 60। ठीक है, तो 120 यूनिट का काम बचेगा। यस, अब पी भी आ जाएगा, तो अगर अब पी भी आ जाएगा तो एफिशिएंसी पी प्लस क्यू की 8 हो जाएगी, 8 × 15 = 120 होता है, 15 दिन और लग जाएंगे, ये आंसर है। बाकी जो काम है 15 दिन लगेगा करने में। क्वेश्चन नंबर 55, रमेश एक काम को 60 दिनों तक करता है जबकि सुरेश 90 दिनों तक करता है, दोनों काम करेंगे 15 दिन तक एक साथ, उसके बाद रमेश काम छोड़ के चला जाएगा और बाकी काम सुरेश अकेले करेगा, कितने दिनों में सुरेश बाकी बचे काम को खत्म कर पाएगा, ये हमें बताना है। देखो रमेश और सुरेश की एफिशिएंसी का रेशियो अगर मैं लिखूं तो कितना आएगा, ये आएगा 3:2, 90:60, 3:2। ठीक है,
दोनों ने अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई काम कितने यूनिट का है, तो रमेश 60 दिन में करता है तो 180 यूनिट का काम हो गया टोटल। दोनों 15 दिनों तक काम करते हैं, तो 15 से अगर दोनों को काम करा लें तो 5 यूनिट कंबाइंड एफिशिएंसी बनेगी। 75 यूनिट का काम हो चुका है, 105 यूनिट का काम बाकी है। रमेश चला गया, सुरेश बचा है, सुरेश की खुद की एफिशिएंसी 2 है, तो 52.5 दिन इसको अभी लगने वाले हैं इस काम को खत्म करने में। तो आंसर मेरा क्या हो गया, डी। ठीक है, डी आंसर करेक्ट हो गया, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को भी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 56। रमेश और ललित एक साथ काम करेंगे और वो एक जॉब को 3 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ललित ऐड नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए एंड। मोहन एक साथ फिनिश करेंगे सेम जॉब को 4 दिनों में, जबकि मोहन और रमेश एक साथ फिनिश करेंगे सेम जॉब को 8 दिनों में। इफ ऑल 3 वर्क टुगेदर ऑन द जॉब, हाउ मेनी डेज विल द टेक टू फिनिश द जॉब। ठीक है, रमेश ललित 3 दिन, ललित मोहन 4 दिन, मोहन रमेश 8 दिन, तीनों एक साथ। तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, आप ऐसा लिखोगे रमेश ललित 3 दिन, ललित मोहन। अच्छा सवाल है, मोर देन 3 डेज इस तरह का आंसर है, मजा आएगा आपको करने में। मोहन और रमेश यहाँ लिखा आपने और ये हो गया आपका 8 दिन। एलसीएम ले लो, कितना आएगा आपका, 24। यस, 3×8=24, 4×6=24, 8×3=24, टोटल कर लो तो ट्वाइस ऑफ आर प्लस एम प्लस एल बनता है, और ये बनता है 8×6=14, 3×17। R प्लस एम प्लस एल की जो वैल्यू होती है ये होती है 17/2। नंबर ऑफ डेज निकालने तो 24 को आप डिवाइड करोगे 17/2 से, ये आएगा 48/17। तो ये क्लियरली क्या है, लेस देन 3 डेज है। बट ऐसा कोई आंसर आपको दिया नहीं है, राइट? तो हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा यहाँ पर। लेस देन 2.5 दिन है क्या, ये देखना पड़ेगा आपको। 17×2=34 और 14, तो 17×7=19 है, लगभग 2.7 के आसपास, 2.8 के आसपास वैल्यू है मेरी, 2.8 के आसपास वैल्यू है, तो लेस देन 2.5 दिन गलत हुआ। मोर देन 2.5 डेज हम लगा तो सकते हैं, बट रुकना थोड़ा, मोर देन 3 डेज गलत हुआ, 3 डेज भी गलत हुआ, तो एक ही ऑप्शन बचा, इसको लगाएंगे, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। आंसर 2.5 से बड़ा है, 2.8 है तो बी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं 2.82 तो दिया नहीं हुआ है और कहीं कंफ्लिक्ट ही नहीं, क्योंकि 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो एक ही ऑप्शन बचा। ठीक है, मोर देन 2.5 डेज, क्लियर, बी ऑप्शन करेक्ट है। 57वां सवाल देखिए, 80 आदमी किसी काम को एक्स दिनों में कर सकते हैं, ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ सम मोर मैन, कुछ और आदमी आए जिससे ये वर्क कंप्लीट हुआ है 4/5 ऑफ द टाइम, नंबर ऑफ मैन कितने ऐड हुए हैं, ये आपको बताना है। तो हुआ क्या है, बेसिकली 80 आदमी हैं एक्स दिनों में किसी काम को कर सकते हैं, लेकिन कुछ और आदमी के आने से मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मैन, या इसको छोड़ो ऐसे मत लिखो, लिख लो सिंपल है, 80x = 80+A आदमी हो गया मान लिया, और जो दिन है वो 4/5x लग रहा है, ऐसा होगा। फिर मैं आपको डायरेक्ट भी दिखाऊंगा कैसे आप कर सकते हो इसको, 4 से काटोगे 20 बनेगा, ए की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके 20 आ जाएगी, कैसे डायरेक्ट कर सकते हो आप इसको। समय अगर 4/5 हो जाता है तो जो टोटल एफिशिएंसी है वो 5:4 हो जाती है। तो यहां हमारी 80 लोग थे तो यहां 100 लोग होंगे, सिंपल। समय 4/5 हुआ तो एफिशिएंसी 5/4 हुई, यानी लोग जो हैं वो पहले अगर 4 यूनिट थे तो अब 5 यूनिट है मेरे पास, तो अंतर कितना है 20 यूनिट का, 20 लोग ज्यादा आ गए, 20 मैन मोर आ गए। क्लियर हुआ सभी को, सीधा सवाल है एफिशिएंसी बेस पर, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए सवाल में किसी को भी, से यस, हाँ जी क्लियर हो गया। ए बी रूल के टर्म में भी सोच सकते हैं, +1/-1.5 +1/4, 80 से +1/4 20। पी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, क्यू टेक 24 डेज टू कंप्लीट द सेम टास्क, पी स्टार्ट द वर्क एंड दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द होल वर्क। पी 10 दिन, क्यू 24 दिन, LCM 120, 10×12 24×5, is this clear to everyone without any confusion? Yes, 12×5=120। P ने काम शुरू किया तो P क्या करेगा, पहले दिन 12 यूनिट का काम करेगा, फिर Q आएगा 5 करेगा, फिर P करेगा 12, फिर Q करेगा 5। तो क्या अगर हम दो दिनों को एक साथ देखें तो दो दिन में हमारा 17 यूनिट का काम हो रहा है, yes,
अच्छा अगर मैं 17 को 7 से गुणा करता हूँ तो 119 मिलेगा, तो क्या 14 दिन में 119 यूनिट का काम होगा? इसका 7 गुना किया तो यहाँ भी 7 गुना समय लगेगा। अब आप कहोगे 14 दिन तो हो गया, अभी भी मेरा 1 यूनिट का काम बाकी है, क्योंकि काम तो 120 यूनिट का है, 1 यूनिट का काम बाकी है, नंबर किसका है? आप कहोगे नंबर होगा पी का, पी एक दिन में 12 यूनिट करता है, 1 यूनिट करने में 1/12 दिन लगेंगे, तो आंसर हो गया आपका 14 1/12 बी ऑप्शन। क्योंकि हमने जब साइकिल ली है पी फिर क्यू पी फिर क्यू, तो अगर हम 7 साइकिल ले रहे हैं ऐसी, तो अगली साइकिल पी से स्टार्ट होगी, पी एक दिन में 12 यूनिट का काम करता है, काम बचा हुआ 1 यूनिट का, तो 1/12 दिन और लग जाएंगे 14 के ऊपर, तो आपका आंसर बी 14 1/12 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, ए और बी किसी भी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी सेम काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, ए बी सी एक साथ काम को 3 दिन में फिनिश कर सकते हैं, ए और सी इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, ये आपको बताना है। बताओ, इस तरह का सवाल तो आपके लिए बिल्कुल आसानी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चार आ रहा कितने लोगों, फोर डेज, ओके कैसे करोगे? देखो आपने कहा ए और बी 4 है, आपने कहा बी और सी हमारा 6 है, आपने कहा अगर हम ए प्लस बी प्लस सी को मिला लें तो ये हमारा 3 है। एक चीज तो क्लियर है कि बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी ए के बराबर होगी, क्योंकि बी प्लस सी में ए के मिलाने से आधा हो गया, इसका क्या यूज है नहीं है वो एक अलग पॉइंट, बट ये क्लियर होगा कि बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू ए। यहां जाओ एलसीएम क्या बनाते हैं, 12, 4 3 12, 6 2 12, 3 4 12। अब ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी 4 आया, बी प्लस सी हमारा 2 है, ए भी 2 हो गया, ए हमारा 2 हो गया, बी हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। सी कितना होगा, बी अगर 1 हो गया तो सी भी हमारा 1 हो गया, दैट्स द होल स्टोरी। सो कुल मिला के अगर मुझे ए प्लस बी की बात की जाए 4 दिन, ए प्लस बी की एफिशिएंसी भी 3 है और ए प्लस सी की एफिशिएंसी भी 3 ही है, क्योंकि बी और सी तो बराबर है, तो जितना टाइम ए प्लस बी को लगा था उतना ही टाइम ए प्लस सी को लगेगा, आंसर तो 4 दिन ही होगा, क्योंकि कंबाइंड जो एफिशिएंसी वो तो सेम ही है ना बेटा, वो तो अलग है ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं? से यस, सिंपल सवाल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी सवाल में है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, पी और क्यू एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, क्यू और आर 12 दिनों में कर सकते हैं, पी और आर उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर एक्स डेज टू फिनिश द होल वर्क, आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या है। पी क्यू क्यू आर पी आर एक्स की वैल्यू चाहिए, बहुत सिंपल सवाल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसमें भी नहीं है। आप कहोगे पी प्लस क्यू लिखेंगे 15, क्यू प्लस आर लिखेंगे ये वैल्यू हमारी आएगी 12, पी प्लस आर लिखेंगे वैल्यू हमारी आएगी 10, यहाँ आप लिखो टोटल 60, 15 4 60, 12 5 60, 10 6 60, ठीक है। अब आप यहाँ 60 लिखो डिवाइडेड बाई 6 5 11 4 15 लिखो, 4 डेज आ गया आपका, ठीक है, हो गया क्लियर। बट 4 इज नॉट द आंसर, व्हाई, बिकॉज यहां जब आप टोटल करते हो ना ये वैल्यू, तो ये बनती है ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, ये 15 आता है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर इज 15/2, तो ये वैल्यू आपकी 8 डेज आती है। 4 इज नॉट द राइट आंसर, बल्कि 8 आधा करना होता है वहां पर, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 61, ए बी सी एक काम को 12 दिनों में 4.5 दिनों में और 6 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी ने काम शुरू किया लेकिन छोड़ दिया 1.5 दिनों बाद, आपको बताना रिमेनिंग वर्क ए कितने दिनों में करेगा, ठीक है, ए कितने दिनों में रिमेनिंग वर्क यानी बाकी काम करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ए बी और सी, ये तीनों वैल्यू मैंने लिखी है, ये मैंने लिखा है कि ये वैल्यू हमारी 12 डेज है, बी हमारी 4.5 डेज है, तो इसको आप लिखिए 4.5 डेज,
सी जो हमारा ये हमारा 6 डेज है, इसको आप लिखिए 6 डेज। अब मुझे इसका एलसीएम जरूर खोजना चाहिए कि एलसीएम किसके बराबर होगा, तो जरा बताइए कि इसका एलसीएम कितना हो सकता है। 36 लिखोगे तो ये बनेगा 8, 4.5 का 8 गुना होता है, 12 का 3 गुना होता है, 6 का 6 गुना होता है। बी और सी ने काम शुरू किया तो 8, 6, 14 की एफिशिएंसी से काम शुरू होगा। डेढ़ दिन काम किया तो आपका 21 यूनिट का काम हो जाएगा। 15 यूनिट का काम बाकी है, ए को करना है, ए की एफिशिएंसी 3 की है, 3 की एफिशिएंसी इसको कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। आंसर हो गया डी, 5 डेज। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एलसीएम लेके सीधा सवाल सीधा तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, ललित और सुजीत एक असाइनमेंट पे कार्य कर रहे हैं। ललित को 18 घंटे लगते हैं 96 पेज टाइप करने में कंप्यूटर पे, सुजीत को 7.5 घंटे लगते हैं 60 पेज टाइप करने में, कितने टाइम उनको लगने वाला है एक डिफरेंट कंप्यूटर्स पे अगर वो काम करें, 330 पेज उनको टाइप करना है, एक साथ काम कर रहे हैं और 330 पेज उनको टाइप करना है, अलग अलग काम कर रहे हैं, मतलब उनका कहने का मतलब है कोलैबोरेटिव वर्क है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और कुल मिला के इनको 330 पेज टाइप कराना है, ठीक है, 330 पेजेस दे हैव टू टाइप। तो इसको मुझे सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, तो जरा सब लोग ट्राई करो इस सवाल को, मैं भी इधर लिखता हूँ। तो ललित की बात करते हैं, 96 पेजेस 18 घंटे में अगर आता है तो हम एक घंटे की अगर बात करें, इसको हम डिवाइड करें 12, 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 3 18, ओके, और 6 16/3 पेज पर आर कैलकुलेट होके आ जाएगा। सुजीत की अगर बात करते हैं तो वो 60 पेज टाइप करता है 7.5 आवर्स में, ये हो गया 8 पेजेस पर आर। सो अगर मैं इनका कॉम्बिनेशन लेता हूँ ललित प्लस सुजीत इन 1 आवर, तो टोटल हमारी वैल्यू आ गई 16/3 प्लस 8 3 24 16, 40/3 पेज पर आर हो गया। कितना टाइम लगेगा कंबाइंड, 330 पेज इन्हें टाइप करना है और यहाँ मैंने लिख दिया 40/3 पर आर टाइप होता है। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 99/4 आपकी वैल्यू आ गई, 24 3/4 आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन। डेढ़ समझ में नहीं आया प्रीवियस क्वेश्चन में, क्यों? डेढ़ दिन दिया हुआ था ना यार यूजर साहब, पिछले सवाल में दिया था कि वो बी और सी मिलकर डेढ़ दिन काम कर रहे हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो डेढ़ से गुणा कर दिया हमने नंबर ऑफ डेज से, क्वेश्चन में दिया हुआ था डेट, ठीक, अपनी तरफ से नहीं लिया मैंने, क्वेश्चन में दिया हुआ था डेढ़ दिन। 63वां सवाल देखो, 45 आदमी 79 मीटर लंबी एक दीवाल 7 दिन में बनाते हैं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके। एक दूसरी दीवाल है जो 62.67% लंबी है पिछली दीवाल से, ये हमें बनाना है एक्स मेन के द्वारा 12 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, और हर आदमी 210 रुपए प्रतिदिन प्राप्त करता है, तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द टोटल वेजेस ऑफ एक्स मेन इन 12 दिन। एक्स की वैल्यू निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा 12x × 210, ये आपका आंसर बन जाएगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूं आंसर आ जाएगा, तो 45 आदमी है मेन इंटू डेज इंटू आर डिवाइडेड बाई वर्क, याद है आपको एमडीएच बाई डब्ल्यू कॉन्स्टेंट बोला था मैंने, MDH by W constant होता है, yes। अब ये 79 की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, आपको 42.67% को जरूर देखना है फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या है, 7 4 28 7 2 14, ये 300/7 यानी 3/7 बनेगा। तो पहले का काम अगर आप 7 यूनिट का मान लो, W1 और W2 दो जो काम है मेरे पास, ये अगर 7 यूनिट का होगा तो ये 3/7 ज्यादा होगा 10 यूनिट का होगा, आपको करना क्या, यहाँ नीचे 10 लिखना है, यहाँ आपको एक्स लिखना है, एक्स मैन हो गए 12 दिन में 5 घंटे के रेट से काम करना है। अब काट पीट मचा लो आप, 7 से 7 कट गया सीधा, 12 5 60 से 10 कटेगा 6 बनेगा, ये 450 है, 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 7 42 6 5 30 75 आ गया एक्स की वैल्यू, x 75 आ गया, तो मेरा हो गया 12 × 75 × 210। 75 को आप लिख लो 300/4 लिखोगे वैल्यू हो जाएगी 900, 9 × 21 करना है आपको, 189 बनेगा, 150 जो लगाने लगा दो, आंसर आ गया, ठीक है, 189000 आपका आंसर आ गया, कुछ है नहीं सवाल में, बस ये 79 मीटर्स का कोई मतलब नहीं, आपको वर्क रेशियो चाहिए, तो अगर नया वर्क पिछले वर्क से 42.67% ज्यादा है, तो यानी 3/7 ज्यादा है, तो ये वर्क अगर मेरा 7 है तो ये वर्क मेरा 10 होगा, बस ऐसे करना है। 64वां प्रश्न देखिए, 11 आदमी एक काम को 132 दिन में पूरा कर सकते हैं, 22 लड़के उसी काम को 132 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कितने दिनों में 8 आदमी और 8 लड़के इस काम को पूरा कर लेंगे। देखो नंबर ऑफ डेज बराबर है कि नहीं, यस, समय बराबर है, तो यहां से डायरेक्टली आप लिख सकते हो ना कि 11m इज इक्वल टू 22b, यस, यानी एक आदमी जो है वो दो बॉयज के इक्विवेलेंट है एक तरह से, हम कह सकते हैं मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो भी आपको पता है, 2:1 हो गया,
यस। अब लेट्स कम टू द वर्क। 11 मेन के लिए ये काम अगर 132 दिनों का है तो 11 इंटू 2 इंटू 132 यूनिट का टोटल काम है। ये मुझे 8 आदमी और 8 बॉयज से कराना है। 8 दुनी 16 प्लस 8 इंटू 1 8 यानी 24 हो गया। ये 11 इंटू 2 इंटू 132 बटे 24 आपकी वैल्यू हो गई। तो से कटेगा 12 बनेगा, 12 से कटेगा 11 बनेगा, 11 करिए हम आपका 121 दिन आ गया। सी इज द राइट आंसर, ठीक है 121। 65वां सवाल देखिए। पी एक काम को 40 दिनों में कर सकता है। ही वर्क्स एट इट फॉर 5 डेज, देन क्यू फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 21 डेज। इन हाउ मच टाइम विल पी एंड क्यू टुगेदर फिनिश द होल वर्क। पी 40 दिन, 5 दिन काम करेगा, फिर क्यू अकेले खत्म करेगा इस काम को, ठीक है। क्यू अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 21 डेज। तो करना क्या है यार, ठीक है। यहाँ पर बहुत सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग आपको लिखना है कि 40 इंटू पी, ये पी 40 दिन में खत्म कर सकता था, तो हम लिख सकते हैं 40 इंटू पी इज द टोटल वर्क। ये किसके बराबर है, 5 दिन पी ने काम किया और फिर क्यू ने 21 दिन काम किया, तो ये इसके बराबर है। यहाँ से आपको मिला 35 पी इज इक्वल टू 21 क्यू। 7 से काट लो, पी रेशियो क्यू लिख लो, 7 तरीके 21, 7 पच्चे 35, 3:5 आपको एफिशिएंसी रेशियो मिल गया। टोटल काम अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो 40 दिन पी का काम है ये, तो टोटल वर्क आपको मिला 40 इंटू 3 120। और जो कंबाइंड एफिशिएंसी है पी और क्यू की, पी और क्यू की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 5 3 8 यूनिट की, 8 5 40, तो ये 5 3 15 हो गया। आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है, डी आंसर आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 66। 8 आदमी एक काम को 42 दिनों में खत्म कर सकते हैं। 14 आदमी काम शुरू करते हैं, 3 दिन काम करते हैं, फिर वो रिप्लेस हो जाते हैं 14 औरतों से। ये 14 औरतें बाकी काम को 48 दिनों में खत्म कर देंगी। आपको बताना है नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 9 वुमेन इन फिनिशिंग द होल वर्क। हमें सॉल्व करना है। सवाल पढ़ो। 8 मेन 42 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं, ऐसा दिया हुआ है। 14 आदमियों ने काम शुरू किया, तो ये मेन डेज हुआ कि नहीं हुआ, यस, ठीक है। तो कहानी क्या है बेसिकली कि 8m इनटू 42 का काम है मेरे पास। 14m ने ये काम शुरू किया, 3 दिन काम किया, फिर ये 14 वुमेन से रिप्लेस हो गए, उन्होंने इस काम को 48 दिन में बाकी बचे काम को खत्म कर दिया। तो दिस इज द होल इक्वेशन। यहां से आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो ये बनेगा आपका, इधर लाओगे तो ये बनेगा 7m इनटू 42। कैसे, क्योंकि 14 3 42m हुआ, 42m कॉमन ले लो, 8 माइनस 1 7m इनटू 42 बनेगा। यहां 14 w इनटू 48 है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 7 14 मिलेगा, लिख दिया मैंने। और फिर आप m रेशियो w लिख सकते हैं, ये हो गया 96:42, व्हिच इज 48, मतलब किससे काटोगे, 6 से काट लो, 16×96, 6×42, 16:7, ठीक है कि नहीं, यस, एम रेशियो डब्ल्यू मिल गया 16:7। अब मैं अगर देखना चाहूँ भाई कुल काम है कितने का, टोटल वर्क की बात करूँ तो टोटल वर्क है हमारा 8m, यानी 8 इंटू 16 इंटू 42, 8 इंटू 16 इंटू 42 का टोटल काम है। और 9 औरतों से मुझे कराना है, तो 9 इंटू डब्ल्यू इज 9 इंटू 7, बस ये आंसर है मेरा। 7 से काटेंगे, 7×42 बनेगा, 3 दूनी 6, 3 तरीका 9, 16×28 दूना 256/3 मेरा आंसर हो गया। 3×8=24, 3×5=15, 1/3, 85/3 मेरा उत्तर हो गया। ए इज द राइट आंसर, स्टैंडर्ड वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, दिमाग ज्यादा नहीं लगाने का, स्टैंडर्ड प्रोसेस है, करोगे तो उत्तर भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। 5 मेन और बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 वुमेन और 20 चिल्ड्रन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 मंथ। तो ये 14 मंथ तो तीनों के लिए सेम हो गया। आप सीधे बता रहे हो कि 5 मेन की एफिशिएंसी 10 वुमेन के बराबर है और ये 20 चिल्ड्रन के बराबर है, क्योंकि ये टाइम तो सबके लिए 14 महीने ही है। तो मुझे यहां से एफिशिएंसी रेशियो मिल गया मैन वुमेन चिल्ड्रन का। आप टोटल वैल्यू 20 के बराबर मान लो, 5×20 मिलेगा, 10×20 मिलेगा, 20×20 मिलेगा, 4×2=1 की एफिशिएंसी हो गई। अब कह रहा है फाइंड टाइम टेकन बाय 5 मेन 7 वुमेन एंड 6 चिल्ड्रन टुगेदर। पहले टोटल वर्क लिखते हैं। टोटल वर्क अगर ये पकड़ दूं मैं खाली 4, तो 5 आदमी है, तो 5×4×14 महीने। बस ध्यान रखना टाइम आपने मंथ में लिया है, तो अगर एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे महीने में डेटा आएगा। किससे कराना है, 5 मेन से कराना है, तो 5 मेन होंगे, 5×20, 7 वुमेन से कराना है, 7×2=14, 6 चिल्ड्रन से कराना है, 6×6, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 40। यहाँ 40 से आप डिवाइड कर लो नीचे, 5×20=40, 2×7=14, आपकी वैल्यू यहाँ पर 7 मंथ आगे, 7 मंथ कहीं दिया हुआ, यस, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 7 इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ पर किसी को भी नहीं होना चाहिए, यस, ठीक है। चलो 68वां सवाल देखो। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो इंगेज होता है एक रोड बनाना है उसको 8 दिनों में, 6 दिन वो काम करता है 10 वर्कर के साथ, उसको पता चला कि भैया केवल 5/8 ही काम हुआ है, और उसको क्या करना है, समय में
काम खत्म करना है तो बताना है कि कितने एक्स्ट्रा वर्कर उसको चाहिए। तो करना क्या, 8 दिन में उसको काम खत्म करना था, ठीक है। अब 6 दिन जब हो गए 10 वर्कर के साथ, ध्यान रखना 10 वर्कर 6 दिन, तो ये मैंने लिखा नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू नंबर ऑफ डेज, यहाँ आर्स का कोई लफड़ा नहीं है। काम कितना यूनिट का हुआ है, 5/8, यानी टोटल 8 यूनिट अगर काम है उसमें 5 यूनिट काम हो गया, 3 यूनिट काम बाकी है। तो मैं लिख सकता हूँ ना वर्क डेज बाई, ये हो गया मेन डेज जैसे होता है ना, तो ये वर्क डेज हो गया हमारे, और नंबर ऑफ ये वर्क W1 इसको बोल सकते हैं 5 और W2 को हम बोल सकते हैं 3, तो काम बाकी है अभी 3 यूनिट का, दिन 2 ही बाकी है बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि 6 दिन काम हो चुका है, 8 दिन में काम खत्म होना है, 2 ही दिन बाकी है, एक्स लोग लगेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लो, तो 5 × 2 = 10 बना, ये बना 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 36, 2 = 18, एक्स की वैल्यू 18 आ गई, ठीक है। अभी 2 से 2 काट दो, 36 = 18 बन गया, एक्स अगर 18 बन गया तो एक्स्ट्रा कितने लोग चाहिए, 12 तो पहले थे ही हमारे पास, सॉरी 10 तो पहले थे ही हमारे पास, 8 लोग एक्स्ट्रा लगेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 68B इज द राइट आंसर, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 69, 2 आदमी और 7 औरतें एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, 6 आदमी 16 वुमेन 5.5 दिनों में कर सकते हैं, चलो ठीक। अब ये सवाल आप ट्राई करके आना, इसके आगे हम करेंगे कल, जो भी डाउट सेक्शन में डाउट्स हैं आप डाल दो, देख लेता हूँ मैं, ओके। देखिए खान साहब ने एक सवाल पूछा है कि भैया हमें टीजी लिंक बता दो, ठीक है, तो टीजी लिंक यहाँ लिखी हुई है तुम्हारी, राजू साहब ने बताया है, देख लो, ठीक है, चले जाओ यहाँ पर, ठीक है। 20 सितंबर वाली क्लास कब लेंगे, ओके, एक मिनट, आते हैं, बहुत स्लो लोड हो रहा है डाउट। देखिए 20 सितंबर को हमने क्लास ली थी मिक्सचर और एलिगेशन की, तो टेक्निकल टीम ऐसा बता रही है कि वो क्लास सर्वर इशू की वजह से रिकॉर्ड हो ही नहीं पाई या उसकी रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल नहीं है 20 सितंबर की क्लास की। इस क्लास को एडवोकेटर्स दोबारा लेंगे, ऐसा टेक्निकल टीम बोल रही है आपको मेल पे। तो अब ये कब लेंगे ये मैं बताता हूँ, बेसिकली टाइम एंड वर्क खत्म कर लें पहले, फिर ले लेंगे एक क्लास किसी दिन, ठीक है। तो अभी थोड़ा वक्त दो, जब भी होना होगा बता दूंगा मैं आपको। मुझे PDF क्यों नहीं मिल रही है, PDF देखिए बेटा अपडेट सेक्शन में आती है, अपडेट सेक्शन, अगर आपको PDF यहाँ नहीं मिल पा रही है तो मैं चेक कर लूंगा कि क्या मेरे साइट से अपलोड नहीं हुआ है या कोई और तकलीफ है आपको, ठीक है। बाकी TG ग्रुप में चले जाओगे, TG चैनल में, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। और आते हैं तो जो पढ़ चुके हैं वो जाएं, अब डाउट्स लूंगा बस मैं, सवाल जो भी लोग बोलेंगे। अपडेट सेक्शन में शीट शो नहीं हो रही है, मैं चेक करवा लूंगा राजपूत साहब क्यों नहीं हो रही है, ओके। मैं फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रही हूं तो प्लीज थोड़ा समझा दीजिए क्या करें, अभी तो सॉल्व भी नहीं होते क्वेश्चन, हड़बड़ी से कभी कोई समाधान नहीं होता है। हमारी प्रॉब्लम है एक, वो ये है कि हम शुरू करते हैं, आपने कहा आपने तैयारी भी शुरू करी है, शुरू जब आपने तैयारी करी है तो आपका एक्सपेक्टेशन यहां पर है आज ही, और आपको यहां पर, तो ये एक्सपेक्टेशन का मिसमैच है और कोई समस्या नहीं है। आप रोज आके बस पढ़ो, यही करना है आपको। अभी आपने तैयारी शुरू करी है तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपसे तुरंत सवाल होने लगेंगे, कभी नहीं होता है। मैथ्स लंबा कोर्स है, वक्त लगेगा, और आपने अगर अभी तैयारी शुरू करी है आपका फोकस बस ये होना चाहिए क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो मैं सीखूं समझूं, घर जाके उन चीजों को रिवाइज करूं, अपने नोट्स बनाऊं, और फिर जो प्रैक्टिस शीट मिले उसको मैं सॉल्व करूं। तो देयर विल बी टाइम दैट विल बी रिक्वायर्ड, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी एल्स कि मेरा सवाल तुरंत क्यों नहीं होता, बाकी लोग लगा ले रहे हैं, आपने अभी तैयारी शुरू करी है, आप खुद बोल रहे हो, तो ये एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का मिसमैच मत क्रिएट करिए। आप तुरंत मत एक्सपेक्ट करिए कि आपसे फटाफट सवाल होने लगेंगे, नहीं होगा, ठीक है। बस आप रोज काम करते जाइए, अगर आप अपना काम करते जा रहे हैं तो परिवर्तन धीरे धीरे करके जरूर आएगा। कमिंग नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल किसी ने बोला है, थोड़ा स्लो लोड हो रहा है क्वेश्चन, हाँ जी, कोर्स कब तक कंप्लीट होना चाहिए एग्जाम के अकॉर्डिंग, एग्जाम कब तक हो सकता है, मेरा बहुत बैकलॉग हो गया है। पहली बात, आप इस पे बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाओ करो, अभी नोटिफिकेशन नहीं है तो एग्जाम नहीं है, ठीक है। तुरंत लास्ट ईयर पहले कैलेंडर आया था जुलाई में जब SSC ने कैलेंडर में मेंशन कर दिया था कि दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, तो जुलाई से लेकर दिसंबर दे गिव अराउंड 6 मंथ का टाइम, और यू कैन से 7 to 5 मंथ का टाइम उन्होंने दिया था आफ्टर कैलेंडर। अभी 24 के लिए उन्होंने कैलेंडर में SSC का कोई डेट वगैरह नहीं दिया है, तो अभी टाइम आपके पास है, इसलिए पैनिक होने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप अच्छे से बस पढ़ाई करिए, ठीक है। बैकलॉग जो भी हो गया है, दो बैकलॉग को करने का तरीका मैं बताता हूँ क्या। पहला, जो चल रहा है, जो रनिंग टॉपिक्स हैं, इसको आपको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, मतलब इनको तो आपको अभी से करना, ताकि नया बैकलॉग क्रिएट ना हो, और पुराने जो बैकलॉग्स हैं, लेट से अगर आपको आपने बीच में तैयारी छोड़ दी या कुछ भी करना, आई डोंट नो, वो टॉपिक्स का आप एक प्लान बना के धीरे धीरे करके कवर कर लो, ऑलराइट। और वैसे भी ये बैचेस साइक्लिक हैं, साइक्लिक बैचेस का मतलब ये होता है कि
कि कोई भी मॉड्यूल, जैसे हमने 6 मॉड्यूल बनाए हुए हैं, वो सर्कल में चलते हैं, मॉड्यूल 1, फिर आपका मॉड्यूल 2, फिर आपका मॉड्यूल 3, और कोशिश ये की गई है कि मॉड्यूल्स आपस में डिपेंडेंसी बहुत कम हो। ऐसा ना हो कि आपने कोई मॉड्यूल अगर नहीं पढ़ा है, लेट्स से मॉड्यूल 1 नहीं किया, तो मॉड्यूल 2 आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। 10% की दिक्कत तो जो मॉड्यूल 1 पढ़ता है उसको भी होती है, क्योंकि जैसे मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूं, तो परसेंटेज में रेशियो का इस्तेमाल होना ही होना है। तो देयर इज नो आइडियल ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स, कोई भी ऑर्डर आप लोगे तो किसी भी टॉपिक में, अरिथमेटिक में, रेशियो में, परसेंटेज का इस्तेमाल होगा, परसेंटेज में रेशियो का इस्तेमाल हो जाएगा। तो देयरफॉर थोड़ा सा टसल तो हमेशा रहता है वो 10% का, बट अदरवाइज कोई भी मॉड्यूल आप पिक कर लो, वहां से आप जब शुरू करोगे, तो हमने मॉड्यूल को डिजाइन ऐसे किया गया है कि वो पिछले मॉड्यूल से लिंक्ड ना हो इतना ज्यादा कि आपको समझ में ना आए। तो आप यहां से अपनी साइकिल शुरू करो, यहां से शुरू करो, आप यहां से शुरू करो, आपको कोई दिक्कत आनी नहीं है। और फिर मॉड्यूल 4, 5, 6 जो है वो तो एडवांस मैथ है, तो 4, 5, 6 में तो कोई लिंक ही नहीं है, ये एडवांस मैथ के मॉड्यूल हो जाते हैं, और ये हमने बनाए हैं मॉड्यूल आपके अरिथमेटिक के मॉड्यूल से, राइट, देयर अरिथमेटिक के मॉड्यूल, ठीक है, समझिए। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि आप जहां भी खड़े हो, लेट्स से मॉड्यूल 3 पे हो, तो मॉड्यूल 3 को पहले उसका बैकलॉग क्लियर कर लो, अगर आपने मॉड्यूल 3 से स्टार्ट किया। बस M1 M2 हम बाद में भी करेंगे, M6 के बाद भी करेंगे, तो उसका प्रेशर नहीं लेना है आपको, आप लाइव में कर सकते हो उसको, डोंट टेक प्रेशर ऑफ दिस, ठीक है। और अभी समय है, चिंता ना करें, 24 का एग्जाम ऐसा नहीं कि अभी 2 महीने में होने जा रहा है, देयर इज लॉट ऑफ टाइम, तो आप आराम से चीजें कर लोगे, बस पैनिक और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। 4 अटेम्प्ट हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, 2 मेंस दे चुका हूं, सीजीएल प्री में 140 मार्क थे, कंफ्यूज हो गया हूं क्या करूं, इसलिए शुरू स्टार्ट करने का मन है एक लास्ट में। दिल से मेहनत करें सुमित जी, देखिए आपको 2 बार मेंस देने का एक्सपीरियंस है, तो आप डेफिनेटली एक अच्छे कैंडिडेट हो। ये होता है कि जब अटेम्प्ट ज्यादा हो जाते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, वो प्रेशर आप ज्यादा महसूस कर रहे हो, बट ऑलवेज रिमेंबर यू नीड जस्ट 1 अटेम्प्ट टू क्वालिफाई। सो चाहे वो कोई लेट्स से फ्रेशर होगा या आप हो, इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में अगर आपको क्वालिफाई करना है, तो इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में स्कोर करना है, तो आप अपने लिए एक बेस्ट प्लान रेडी करिए कि भाई कैसे मुझे तैयारी करनी है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप बहुत सिलेबस कर भी चुके होंगे कई बार, सो आई थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन प्रैक्टिस, वर्क ऑन वीकर एरिया, जो आपके वीकर एरियाज पे काम करिए, और दिल से वो प्रेशर थोड़ा सा ऑफ रखिए, अपने आपको रिमाइंड करिए कि मुझे सेलेक्ट होने के लिए एक ही अटेम्प्ट चाहिए और ये वो अटेम्प्ट है, तो चाहे वो फ्रेशर हो या आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि आप बेहतर पोजीशन में हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, द ओनली थिंग इज द साइकोलॉजिकल, वो जो चीज दिमाग में चलती रहती है ना घबराने वाली, वो हटा दो, कोशिश करो कि उस पर कम जाओ, और आप अपनी रोज की एक्टिविटी पे फोकस करो, डिसिप्लिन रहो, मेहनत करो। हर्षित जी करें, सर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन में क्या अप्रोच लेना है, सेम टाइप के क्वेश्चन लग जाते हैं और नहीं लगते हैं। देखिए ये चीज एक्सपीरियंस के साथ आती है हर्षित, अभी आप क्या करो, अपने आपको सफिशियंट डेटा दे रहे हो, जब आप एक कोर्स करते हो तो उस कोर्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं, तो आप अभी अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, अपनी अपने दिमाग को आपको सफिशियंट इनपुट दे रहे हो, समझा रहे हैं हम लोग कि देखो ये होगा तो ऐसे करना है, ये होगा तो ऐसे करना है, ये होगा तो ऐसे करना है, एंड देन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस शीट देंगे वो करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, रिविजन करोगे, तो ये चीजें मजबूत होती जाती हैं, तो फिर जब सवाल सामने आता है, सिचुएशन सामने आती है, तो दिमाग आपको तुरंत बताता है कि देखो ये करना चाहिए, ठीक है। तो शुरू में तो दिक्कत होती है, आप किसी रास्ते पे भी जाते हो, लेट्स से आपका घर है, होम है, और होम से हम गए कहां पर, स्कूल जा रहे हैं, लेट्स से तो आप शुरू में एक दिन जाओगे तो आपको गूगल मैप की नीड पड़ेगी, आज की डेट में तो गूगल मैप है, गूगल मैप देख के जाना पड़ेगा आपको, और मे बी ये गूगल मैप आपको 10 दिन चलाना पड़ेगा, 10 दिन जब आप गूगल मैप चलाओगे तो आप 11वें दिन आपको रास्ता वो याद हो जाएगा, आपके दिमाग को याद हो जाएगा, तो आप सीधे पहुंच जाओगे, आप तो वो नेचुरली उस रास्ते पे आपको लेके चला जाएगा, बट टिल देन यू हैव टू यूज गूगल मैप। गूगल मैप इज व्हाट, कोर्स रिवीजन, मे बी कोई चीज सवाल में फंस रहे हैं तो फिर से अपने नोट्स को रिवाइज कर लिया, सब काम करना पड़ेगा अभी आपको, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है, आप बस काम करते रहिए। अभिनव जी कह रहे हैं मेरा नवंबर में सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा पर आपका कोर्स नहीं कर पाए पूरा। अभिनव जी आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मैं तो जुलाई में मैंने कोर्स शुरू किया था, तो कोर्स खत्म करने में तो बेटा थोड़ा वक्त लगता ही है, या तो आप सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करा लेना, या फिर आप जितना तब तक हो जाएगा वो कर लो, और फिर बाकी चीजें आप यूट्यूब की मदद से कर लो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो अगर आपको मॉनेटरी इश्यूज नहीं, देन आप सब्सक्रिप्शन रिव्यू कर लो तो बेहतर है, ठीक है। पवन जी कह रहे हैं मुझे बेसिक से पढ़ना है, कोई कोर्स बताइए। देखिए यही कोर्स चल रहा है जिसका नाम है अर्जुना बैच, ये बेसिक बैच ही है, लेकिन बेसिक बैच में बेटा आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि ये बैच आपका बिल्कुल जैसे 10th में पढ़ाते थे ना उस तरह से चलेगा, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में आपसे मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, आप ज्यादा मेहनत करोगे मेरे साथ, और मुझे कुछ गिवन टाइम में कोर्स भी खत्म करना है, तो थोड़ा मेहनत आपको ज्यादा पड़ेगी, बट ये जो बैच है अर्जुना, ये फाउंडेशन बैच ही है, ये बेसिक बैच ही है जिसमें आपको, ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा सा मेहनत करें, तो आपको चीजें सब समझ में भी आएंगी और आप बेहतर भी मैथ्स में जरूर बनेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अरे कुछ डाउट्स रह गए किसी लड़के ने पूछा है,
कौन है ये? जीरो साहब एक कल पूछ लेना, सॉरी मैं ऊपर के डाउट्स लेता रहेगा। मिस्टर बैटमैन साहब ने भी कोई सवाल पूछा, एक बार ये कल पेश कर देना आप, जो भी आपके सवाल हो मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको ये लगे मैंने एक्नॉलेज किया एटलीस्ट, है ना। ये है सवाल आपका, एक सवाल ये है, जो भी चार लोग हैं कल आना, कल पोस्ट कर देना, कल करेंगे इसको, ठीक है। ये भी एक सवाल है कोई, ठीक है। तो एक बार प्लीज सभी लोग कल इसको पोस्ट कर देना, मैं क्लास के अंत में आपको सवाल करा दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, चलो ख्याल रखो अपना, कल मिलते हैं शाम को, बाय, टेक केयर।